लाके ये पढ़ेंगे, कोई स्पेसिफिक बात मैं भूल ही गया था, वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा अभी वो। अच्छा अच्छा जी, ऊपर वाला पार्ट तो हमने बना लिया है, अब हमें चाहिए नीचे वाला पार्ट, 960x360 pixels। ये इतने साइज़ का एक एक हमें इमेज चाहिए। तो आ जाते हैं हम, इमेजेस कहाँ से उठाते हैं हम? स्प्लैश से उठा सकते हैं हम। स्प्लैश क्या नाम है उसका? अनस्प्लैश है, सही है। अनस्प्लैश में हम जाके लिखते हैं किस चीज़ की वेबसाइट बनानी है हमें? हमें मोबाइल, हाँ यार आईफोन बनाना है हमें। सही है, तो हम ये वाली फोटो उठा लेते हैं। और कोई बेहतर फोटो है क्या इसमें? मेरा ख्याल है ये सबसे बेहतर फोटो है जो हमें नज़र आ रही है। अच्छा ऑब्वियसली ये फ़ोटो जो है वो साइज़ में बड़ी है अभी यहाँ पे एग्जैक्टली। हाँ ये रहा ना, 5000 इसका डायमेंशन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 3000 है। तो हमें इसको 960 पे लेकर आना है क्योंकि हमने इसको यूज़ 960 में करना है। अच्छा तो सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद मैंने क्या करना है? अच्छा 3.2 MB इसका साइज़ भी है। photopia.com, ठीक है, फ़ोटो पी वैसे उसको बोलते हैं लेकिन फ़ोटोपिया भी बोल सकते हैं क्योंकि फ़ोटोपिया थोड़ी यूटोपिया वाली फीलिंग देता है। अच्छा तो मैं गया और मैंने सबसे पहले इमेज को क्रॉप का दबाया बटन, और क्रॉप का बटन दबाने के बाद मैंने कहा भाई मुझे फ़िक्स रेशो चाहिए या फ़िक्स साइज़ चाहिए, और फ़िक्स साइज़ में जाके मैं क्या लिख दूँगा? ये वाला साइज़ 960x360। मैंने कहा 960x360, सही है। तो 960x360 ये साइज़ बनता है, सही है, अगर इसको मैं क्रॉप करता हूँ तो ये साइज़ जो है वो क्या है? बहुत ही कम है। तो मुझे एक्चुअली क्या करना पड़ेगा? पहले अपना कैनवास छोटा करना पड़ेगा क्योंकि अगर इतने बड़े कैनवास पे से मैं इतना छोटा साइज़ काटूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे इसको मैं कैंसिल आउट करता हूँ। कैंसिल आउट करके लास्ट टाइम हमने ये देखा था कैसे करते हैं। इमेज साइज़ में जाऊँगा मैं, कहाँ पे था वो, ये रहा इमेज साइज़, ठीक है। तो ये मेरा जो कैनवास है उसका साइज़ जो है वो क्या है? 5000 समथिंग है। तो मैंने कहा कि भाई मुझे 960 पे चाहिए ये कैनवास। तो इस पर क्योंकि ये लगा हुआ था, कनेक्शन बना हुआ था इसका, तो जैसे ही इसको मैं देखो चेंज करता हूँ ना तो साथ साथ इसका जो कॉरेस्पॉन्डेंस है जो हाइट के साथ वो भी चेंज हो जाती है। तो मुझे विड्थ 960 चाहिए और हाइट इसकी 640 आ रही है 960 के कॉरेस्पॉन्डेंस। तो पहले मैं विड्थ को 960 करूँगा फिर हाइट को मैं क्रॉप करके हटा दूँगा। अच्छा साथ में 72 DPI ये पहले से सेट हुआ है, और जो रीसैम्पलिंग है वो बाईलीनियर यहाँ पे सेट हुई हुई है, ठीक है। ये अल्गोरिथम है कि अगर मैं किसी भी, जाहिर है 5000 पिक्सल की इमेज है उसको मैं 900 पिक्सल पे ला रहा हूँ, तो अब वो जो एक्स्ट्रा पिक्सल है वो कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक अल्गोरिथम होता है कि वो क्या करता है, मतलब 3-3 पिक्सल उठाता जाता है और उन तीनों का एवरेज लेके उसको एक कर देता है, फिर 3 उठाता है फिर एक कर देता है, तो इस तरह करके वो पिक्सल्स को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो बाईलीनियर एक स्ट्रेटजी है, नियरेस्ट नेबर एक स्ट्रेटजी है, और एक बाई क्यूबिक है। बाई क्यूबिक समझ आ रहा है कि वो एक स्क्वायर उठाएगा 9 पिक्सल का, उसका एवरेज निकाल के उसको 9 को एक कर देगा, ठीक है, लाइक दैट। और नियरेस्ट नेबर भी कुछ इसी तरह का होता होगा। ये अब ग्राफिक्स के एल्गोरिथम है, हमें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, जो डिफ़ॉल्ट है उस पर फिलहाल इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको डिफ़ॉल्ट पे ओके किया तो मेरे पास ये कुछ इस तरह की इमेज बन के आ चुकी है। अब मैंने क्या करना है? क्रॉप का बटन दबाना है, और अब मैं जब देखो क्रॉप का बटन दबा रहा हूँ ना तो विड्थ मेरा क्या हो रहा है? बिल्कुल एक्यूरेट इस पर फिक्स आ रहा है क्योंकि मेरा कैनवास भी 960 है उसकी विड्थ। अच्छा और मैंने अब क्या करना है, मैं अब अच्छा सा यहाँ पे साइज़ देख के और इसको मैं क्रॉप कर लूँगा, ठीक है। काइंड ऑफ मुझे इस तरह करके क्रॉप करना है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करना है मुझे।
वैसे टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि किस तरह की इमेज आपको चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि मुझे टॉप से थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस चाहिए होगा और नीचे गैजेट्स चाहिए होंगे, और मैं चेक का बटन दबाता हूँ। तो ये मेरे पास एक इमेज तैयार हो गई है 960 बाई जो भी उन्होंने साइज़ लिखा हुआ था इस इमेज के अंदर, 360 सही है। और मैं इसको कंट्रोल एस दबाऊंगा जैसे ही, तो ये क्या होगा, ये पूछेगा मुझसे कि भाई जो ओरिजिनल इमेज थी उसको मैं उसकी वाट लगा दूं। मैं कहूँगा हाँ, तो जो ओरिजिनल इमेज डाउनलोड हुई थी ना उसी पे ये चेंज हो गया। ठीक है, मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता था राइट क्लिक करके, एक्सपोर्ट एज, हम ये पहले कर चुके हैं। एक्सपोर्ट अगर करते हो तो हम किस में करते हैं, जेपीजी में करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कलर्स हैं। हम ये भी स्ट्रैटेजी देख चुके थे जब हमने नई नई HTML शुरू की थी, उस टाइम पे ही अच्छी खासी डिस्कशन हुई थी कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए। अच्छा, अब ये इमेज मेरे पास ऑब्वियसली डाउनलोड्स के फोल्डर में यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि वहीं पे डाउनलोड होती है। ये इस इमेज का नाम है, मैं इसका नाम चेंज करके क्या कर देता हूँ, banner.jpg कर देता हूँ। और इसको अब मैंने उठा के कहाँ लाना है, अपनी वेबसाइट के फोल्डर में लाना है। अच्छा, अब जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी वेबसाइट के फोल्डर के अंदर इमेजेस बढ़ती चली जा रही हैं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको एक नया फोल्डर बना दूँगा मैं, ठीक है, जिसका नाम रखूँगा मैं IMG, और ये तमाम इमेजेस मैं इसके अंदर मूव करवा दूँगा, सही है, क्योंकि मेरे रूट के ऊपर ना कचरा लगता जा रहा है। तो अब मुझे पता है ये इमेजेस अब इन फ्यूचर और भी ज़्यादा होने वाली हैं, तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया। अच्छा, एज अ रिज़ल्ट मुझे ये करना होगा कि जहाँ जहाँ पे मैंने ये लोगो का इस्तेमाल किया हुआ है, logo.svg, तो वहाँ वहाँ पे जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, IMG ऐड करना पड़ेगा, वरना फिर वो नज़र नहीं आएगा। उसके अलावा मेरे पास क्या है, logo.svg था और एक बैनर था। बैनर तो मैं कहीं यूज़ नहीं कर रहा अपनी वेबसाइट में। अब लास्ट हमारे पास है banner.jpg। तो banner.jpg के लिए मेरे पास, मैं फ़ोटो एडिटर को बंद कर देता हूँ, अनस्प्लैश को भी बंद कर देता हूँ, अब यहाँ पर आ जाता हूँ मैं। अब यहाँ पे मेरे पास जो सिचुएशन है, ये मेरी बॉडी है इस वक्त, ठीक है, बॉडी पे मैं हाथ रखता हूँ तो आप देखें जो मेरी बॉडी है वो अभी अपने कंटेंट पे टाइट है, सही है, जितना उसमें कंटेंट है उतना ही उस बॉडी का उसकी हाइट है। अच्छा, तो अब जब मैं इसके अंदर मज़ीद कंटेंट रखूँगा नीचे, तो इसकी हाइट क्या होगी, ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो बॉडी के अंदर एक डिव मौजूद था जिसका नाम था हेडर, अब मैं एक अगला डिव यहाँ पर रखूँगा, दैट वुड बी कॉल्ड सेक्शन। अच्छा, ये बात आपके बुक में भी डिस्कस हुई हुई एक जगह, वो मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे डिस्कस हुई हुई है। सही है, HTML5 में ना ये कुछ न्यू टैग्स इंट्रोड्यूस करवाए गए, वो अगला जो चैप्टर है ना आपका लेआउट वाला जो चैप्टर है, वहाँ पे ये बातें डिस्कस हुई हुई हैं सारी कि किस चीज़ का नाम ना क्या होना चाहिए। चल भाई आगे बढ़। ये लेआउट ना इसने इस चैप्टर में बनाना सिखाया है, लेकिन ये फ्लैक्स बॉक्स के जरिए नहीं सिखाया है, वो जो ट्रेडिशनल तरीका है उसके जरिए सिखाया है। दोनों तरीके बताए इसने। यार वो कहाँ चला गया, इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ था कहीं पे, बिल्कुल ही गायब हो गया। HTML5 लेआउट, अच्छा, वो चैप्टर नंबर 17 है, एक जस्ट लेआउट है, एक HTML5 लेआउट है, ये वाला, ये मैं ढूंढ रहा था इतनी देर से। तो हमारे पास क्या होगा, एक हेडर होगा हमारे पास, एक कंटेंट होगा, एक साइड बार होगा। अच्छा, ये तो इसने डिव डिव करके बताया ना, अभी HTML5 के टैग्स भी इसके इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। ये हैं वो HTML5 के टैग्स, हेडर, सही है, हेडर वुड बी अ टैग। अच्छा, उसके बाद असाइड, असाइड जो है वो साइड बार जैसी चीज़ कोई होगी उसको हम बोलेंगे। अच्छा, आर्टिकल जो होगा वो क्या होगा, अगर मिसाल के तौर पर फेसबुक जैसी कोई ऐप है मेरे पास, तो ईच पोस्ट इज़ एन आर्टिकल, ठीक है, या कोई ब्लॉग पोस्ट है तो उसमें तो वैसे ही उसको कहते ही आर्टिकल है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। तो अब ये हेडर फुटर क्या चीज़ होती है वो यहाँ पे ये डिस्कस कर रहा है,
ठीक है, नेव करके नेविगेशन बार जो है ना ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने बताया हुआ है कि अच्छा ऐसे क्यों बनेगा, वो सिमेंटिक वैल्यूज़ की वजह से बनेगा, ठीक है। आर्टिकल क्या चीज़ होती है वो डिस्कस हो रहा है यहाँ पे, असाइड क्या होता है वो डिस्कस हो रहा है, सेक्शन क्या होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने डिस्कस की हुई है। तो वापस हम इसमें आ जाते हैं, और यार सेक्शन का इसमें नहीं इन्होंने जिक्र किया, ये क्या किया इन्होंने, सेक्शन का यहाँ पे जिक्र नहीं किया इन्होंने। वेल हम पढ़ लेते हैं सेक्शन के बारे में ही क्या कह रहे हैं, ताकि हम अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से यहाँ पे अब टैग्स बनाएंगे हम, ठीक है। अच्छा तो हमारा ये नेव जो है ना ये हेडर के अंदर होना चाहिए, जो डिव बनाया ना मैंने इसका नाम डिव नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए हेडर, सही है। और जहाँ पे ये क्लोज हो रहा है यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे भी ये हेडर नाम होना चाहिए इसका, सही है। अच्छा ये सेक्शन ज़ाहिर है हेडर के बाद होगा, ठीक है, ये यहाँ पर होगा। लेकिन हम सेक्शन को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि सेक्शन के बारे में वो क्या कह रहे हैं कि कहाँ लगता है। द सेक्शन इज़ द एलिमेंट ग्रुप दैट रिलेटेड कॉन्टेंट टुगेदर एंड टिपिकली ईच सेक्शन वुड हैव इट्स ओन हेडिंग, सही है। तो ये हेड सेक्शन सम इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो हम वापस इस पिक्चर के ऊपर आ जाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड हम अपने उसको डिज़ाइन करें। अच्छा तो हेडर होगा, उसके बाद जो मेरा जो एक्चुअल पेज का जो जगह होगी उस वो डिव में बनाऊंगा, बट उसके डिव के अंदर आर्टिकल्स और सेक्शंस करके टैग का इस्तेमाल मैं करूँगा, ठीक है। अच्छा आर्टिकल क्यों इसको नाम रखा गया है HTML5 में, ये हेडर ये आर्टिकल ये असाइड इसका कुछ मतलब नहीं है, मतलब एक डिव लिखेंगे आप या हेडर लिखेंगे तो वो डिस्प्ले सेम तरीके से होगा, ठीक है। HTML5 में ये फैसिलिटी दी गई है आपको कि आप हर बॉक्स का नाम डिव रखने के बजाय कोई भी आपका जो दिल कर रहा है ना उस नाम से आप वो टैग बना दें। अगर वो टैग HTML5 में एग्जिस्ट करता होगा तो लग जाएगा, नहीं लगता होगा तो वो एज अ डिव डिक्लेयर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं लगाता हूँ ना बी का टैग, तो बी के नाम से तो एक टैग है HTML में तो वो अप्लाई होगा, ठीक है। अगर मैं बी डबल ई बी कर दूँ तो बी के नाम से कोई टैग नहीं है, या बी ई डबल एल बेल कर दूँ, अब बेल के नाम से कोई टैग नहीं है HTML में तो वो एज अ डिव कंसिडर करेगा उसको मेरा ब्राउज़र। अच्छा इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट दो बेनिफिट है। नंबर एक बेनिफिट तो ये कि हर बॉक्स को अगर मैं डिव डिव करता हूँ ना तो मुझे पता नहीं चलता कि कौन सा बॉक्स क्या है, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, तो थोड़ा सा रीडेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, ये होगा। अच्छा दूसरा ये कि फिर जब ये हुआ ना तो सिमेंटिक वैल्यू भी इसके अंदर ऐड कर दी सर्च इंजन्स वगैरह ने, और ज़ाहिर HTML5 में भी जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तो उन्होंने ऐसे सजेस्ट किया कि अच्छा यार चलो आप जब हेडर के लिए बनाओगे ना डिव तो उसका नाम डिव की बजाय हेडर रख देना, डिस्प्ले वो डिव के तरह ही होगा बट उसका नाम HTML5 वालों ने बोला कि आप हेडर रख देना, उससे ये होगा कि जब कोई क्रॉलर आएगा तो वो आपके जो ऐप का जो टॉप वाला हिस्सा है उसको टारगेट करेगा ना, हेडर के नाम का एक ही एलिमेंट होगा पूरे पेज में आपके, उसको उठाएगा वो, और उसके अंदर क्या तलाश करेगा नेव, उसके अंदर आपका लोगो तलाश करेगा, तो उसके लिए आसानी होगी। तो इस तरह से क्या हुआ कि इसमें सिमेंटिक वैल्यूज़ भी ऐड हो गई। तो इसको लगाने से ऐसा आपको शायद शुरू में लगे नहीं आ रही है तो डिव और इसमें क्या फ़र्क है, बट बहुत सारा फ़र्क है, सिमेंटिक वैल्यूज़ का मेन फ़र्क है सबसे। अच्छा तो मैं बनाता हूँ एक डिव, उसकी आईडी कंटेंट रख देता हूँ मैं, वैसे आईडी कंटेंट रखना ज़रूरी नहीं है इन्होंने, वैसे अब जब ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी तो हम फिलहाल इसको ऐसे ही बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं डिव ही रखता हूँ और इसकी मैं आईडी दे देता हूँ, क्या दिया था इन्होंने, कंटेंट। अच्छा जी अब इस कंटेंट के अंदर मुझे एक अदद इमेज चाहिए, सबसे पहले इमेज का सोर्स img/banner.jpg, ठीक है, बैनर इमेज मैंने इस पे नाम लिख दिया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही है कि मेरी जो इमेज है ये देख रहे हो, जब मैं प्लस करता हूँ तो ये क्या हो जाता है और जब मैं माइनस करता हूँ तो ये क्या हो जाता है, सही है। पहली बात तो ये कि दो तरह के लेआउट होते हैं, एक होता है फिक्स विड्थ लेआउट और एक होता है लिक्विड लेआउट। लिक्विड लेआउट क्या होता है, अभी वो आगे लेआउट के चैप्टर में डिस्कस होगा। लिक्विड लेआउट ये होता है वो लिक्विड होता है बिल्कुल,
उसके कंपोनेंट ना पहले तो ऐसे साइड बाय साइड होते हैं, लेकिन जैसे ही स्क्रीन छोटी होती है वो एक दूसरे के नीचे चढ़ना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली वो सिंगल कॉलम में आके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, लिक्विड लेआउट आउट ऑफ फैशन हो चुका है। अच्छा, फिक्स्ड विड्थ लेआउट जो है वो शुरू से चला आ रहा है, लेकिन काइंड ऑफ वो भी अब आउट ऑफ फैशन हो चुका है। अच्छा, अब क्या होता है, इन दोनों का हाइब्रिड इस्तेमाल होता है। आमतौर पर ये होता है कि जो आपका हेडर है ना, टॉप वाला जो बार है वो लिक्विड होता है और नीचे का जो कंटेंट है ना वो फिक्स विड्थ होता है। फेसबुक में भी इसी तरह है, ट्विटर में भी इसी तरह है, लिंक्डइन वगैरह में भी आप देखेंगे इसी तरह। होता क्या है कि जब आप जूम आउट करते हैं ना ऐसे, तो ऊपर का हेडर ऐसे रहता है लेकिन दरमियान जो कंटेंट है वो दरमियान में आ जाता है, और कंटेंट की जो विड्थ है वो कहीं ना कहीं उन्होंने फिक्स की हुई होती है, समटाइम 1140 पे, सही है, समटाइम 1000 पे, समटाइम 960 पे उसको फिक्स किया हुआ होता है। ठीक है, यही वजह है कि फेसबुक जब भी आप खोलेंगे वाइड स्क्रीन के ऊपर या लैपटॉप पे, तो साइड में थोड़े बहुत स्पेसेस आ रहे होते हैं। अच्छा, अब उन्होंने स्मार्टली क्या किया, उस स्पेस को थोड़ा सा फिल करने के लिए ना कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं साइड में, लेकिन जाहिर है वो चीज़ें हम ज़रा इसको खोल के देखते हैं कि इन्होंने साइड में ना ये साइड बार ऐड कर दिया। ठीक है, ये खुल जाता है और ये क्या करता है, जो दोनों साइड थोड़ा थोड़ा स्पेस है उसको डिवाइड करके यूआई को इधर धक्का मार देता है, लेकिन अल्टीमेटली आप देखें दोनों साइड पे क्या है, एक वाइड स्पेस है, लेकिन ऊपर का हेडर आप देंगे लिक्विड है। वो साथ साथ जो है ना ग्रो कर रहा है, साथ साथ फैल रहा है, और अगर मैं जूम इन करता हूँ तो एक सर्टेन पॉइंट तक जो है ना वो अपने आप को एडजस्ट भी करने की कोशिश करता है। एक सर्टेन पॉइंट तक देखो एडजस्ट कर रहा है, ये बटन अभी तक एक दूसरे पर चढ़े नहीं है। ठीक है, वो मीडिया क्वेरी लगी हुई ऑफ कोर्स ये है कि जैसे ही मैं चेंज करता हूँ विर्थ, तो वो बीच वाले जो सारे यहाँ पे बलून्स थे वो सब इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, है ना। तो ये अब ये मीडिया क्वेरी से ये विजिबल हो गया, तो ये आपको आइडिया हो रहा है अच्छी तरह की क्या हो रहा है। फिर इससे पहले इन्होंने एक और चीज़ भी गायब करवाई है यहाँ से, हाँ यहाँ पे गेम वाला जो ऑप्शन बना हुआ आ रहा है ना, ये गेम वाला देखो, जब एक जूम लेवल करूँगा मैं, ये सिर्फ गेम गायब होगा, सिर्फ गेम गायब हुआ है। तो वो एक ऊपर वाले जो पार्ट को ना इन्होंने क्या किया हुआ है, वो बनाया हुआ है। अच्छा, अभी भी देखो दोनों साइडों पे ना थोड़ा थोड़ा स्पेस खाली है, और जब मैं इसको जूम आउट करूँगा तो ये स्पेस बढ़ रहा होगा। तो ऊपर का जो हेडर है वो क्या है, वो लिक्विड है, और बाकी का जो यूआई है वो थोड़ा सा फिक्स किया हुआ है उन्होंने। अच्छा, इसको फिक्स करने के लिए मुझे सबसे पहले काम ये करना पड़ेगा कि मुझे मेरा जो सेक्शन है, ठीक है, उसको विड्थ एक देनी पड़ेगी कि भाई आपकी विड्थ ये है, और उसको ये भी बताना पड़ेगा कि भाई आपने सेंटर में रहना है। ठीक है, तो मैं अगर इसको थोड़ा सा जूम इन करूं ताकि आपको ये दिखे, और ये मेरा कंटेंट के नाम से जो बीच वाला हिस्सा है ना जिसमें मेरा सारा का सारा कंटेंट होगा, तो इसको मैं बोलूँगा कि भाई आप क्या हो जाओ, आप सेंटर में हो जाओ। लेकिन इसको सेंटर में कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका कोई ना कोई पेरेंट होना चाहिए, सही है, या मैं ये करूँ इसी को पेरेंट बना दूँ और इसके अंदर जो इमेज है वो उसको सेंटर करवा दूँ। तो फिलहाल मैं इसी को पेरेंट बना देता हूँ क्योंकि कंटेंट इज़ पेरेंट ऑफ माय होल कंटेंट। तो मैं इसको कह देता हूँ कि भाई आप क्या हो जाओ, डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाओ, सही है, डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाओ। अच्छा, डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद अगर मुझे इसके अंदर मौजूद कॉन्टेंट को सेंटर में करना होता है तो मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ, जस्टिफाई कॉन्टेंट, सही है, और इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। तो मेरा जो कंटेंट था उसके अंदर चूंकि एक ही चाइल्ड है तो वो सेंटर में हो गया, सही है। अच्छा, अब इसके बाद मैंने क्या करना है, ये तो मेरा काम बेहतरीन हो गया, सेट हो गया, ठीक है। जब अच्छा इसमें क्या होता है, जब मैं ज़्यादा जूम इन करता हूँ फेसबुक में जाके, तो फेसबुक कैसे बिहेव करता है, ठीक है, ये तो एक सर्टन लेवल पर मैं खड़ा हुआ, जब मैं ज़्यादा इसको जूम इन करता हूँ वो क्या करता है, वो दो पट्टी को ना एक पट्टी में कन्वर्ट कर देता है, ये पोस्ट आ गई मेरी, और ज़्यादा जूम इन करता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ जाता है। तो एक सर्टन लेवल तक इसको ये होल्ड करेगा और उसके बाद हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल ये लेकर आ जाता है। तो हमारे पास भी, हमारे केस में हम जाके यहाँ से देखेंगे रिस्पॉन्सिव डिवाइसेस पे कि हमारे पास मोबाइल मीडियम पे ज़ाहिर है 300 उसकी विड्थ है, तो उस पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल लेकर आ रहा होगा ये, और अगर मैं इसको टैबलेट पे चेक करूँगा उसमें भी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल ला रहा होगा। और सिर्फ मेरे पास ये जो मेरा लैपटॉप होगा, लैपटॉप जो है मेरा 1080 पिक्सल का, जो 1024 पिक्सल का जो लैपटॉप है मेरे पास, यानी एक नॉर्मल लैपटॉप, उसके अंदर जो है ना साइड में थोड़ा थोड़ा स्पेस ये खाली छोड़ रहा है, ठीक है।
बाकी सब में ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल लेकर आ रहा है। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको मैं मज़ीद भी एडजस्ट कर सकता हूँ। मज़ीद कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ कि जब मेरा साइज़ छोटा हो, जब मेरा साइज़ टैबलेट पर आए, तो मैं मेरा जो कंटेंट है जो मैंने 960 पे अभी स्टैंडर्डाइज़ किया हुआ है, उसको मैं क्या कर दूँ, कम कर दूँ, मैं मज़ीद उसको कम कर दूँ और अंदर की तमाम चीज़ों को साथ साथ एडजस्ट करता हुआ चलूँ, ठीक है। लेकिन उसके लिए स्टिल मुझे क्या करना होगा, मीडिया क्वेरी के तमाम कंडीशंस को लगाना होगा। फेसबुक इसके लिए ऑन अदर एंड क्या करता है कि ये जो इमेज है ख़ास तौर पर, ये इमेज ना तीन अलग अलग साइज़ की जनरेट करके पहले ही रख लेता है, ठीक है। और जब आप छोटी स्क्रीन में खोलते हैं तो वो छोटी इमेज लेकर आता है, बड़ी पे खोलते हैं तो बड़ी लेकर आता है, और साथ में मीडिया क्वेरी का भी इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये मामला सारे चल रहे होते हैं। वेल अच्छा, हम ज़रा अपने इस इमेज को देखते हैं। अच्छा, हमारे इमेज के अंदर ऊपर थोड़ा सा मार्जिन है जो हेडर के और जो एक्चुअल मेरा कंटेंट है उसके दरमियान में थोड़ा सा मार्जिन है, तो ये मार्जिन मुझे भी दे देना चाहिए इसको। अच्छा, ये मार्जिन मैं किसको दूं तो बेहतर रहेगा, मैं अपने हेडर को ये मार्जिन दूं या मैं अपने कंटेंट को ये मार्जिन दूं? मेरा भी ये ख्याल है कि कंटेंट को ये मार्जिन हमें देना चाहिए, तो मैं बोलूँगा मार्जिन टॉप और 10 पिक्सल, चलो 15 कर देते हैं, सही है, या 15 भी नहीं बल्कि इसको मैं करूँगा 1 em, ठीक है, एक लाइन के टेक्स्ट जितना 1 em मैंने उसको दे दिया। अच्छा, साथ साथ अब मैंने अगला काम क्या करना है, इसके नीचे तीन अलग अलग बॉक्सेस हैं वो मैंने बनाने हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ पे आके मैं बॉक्स बल्कि बना देता हूँ, ये मेरा कंटेंट है और इसके अंदर आके मैं एक डिव, दो डिव, तीन डिव बना दिए मैंने, और तीनों को मैंने क्लास दे दी, क्या इसको नाम दे देते हैं क्लास को, ये क्या चीज़ है, ये यस आर्टिकल है, ये सही है। अच्छा, हर आर्टिकल के अंदर क्या मौजूद है, हर आर्टिकल के अंदर एक इमेज, एक लाइन का टेक्स्ट और नीचे एक पैराग्राफ, ये तीन चीज़ें मौजूद हैं हर आर्टिकल के अंदर, तो मैं इन तीनों में ये भी ऐड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई एक अदद इमेज, सही है, और मैं कहता हूँ कि भाई इमेज के बाद एक अदद स्पैन सबटाइटल लाइन, और उसके बाद फिर एक अदद पैराग्राफ, और पैराग्राफ में मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ उठा लेता हूँ यहाँ से, अरे ये तो डिव भी आ गया बीच में इसके, ये मैंने गलत पैराग्राफ कॉपी कर लिया, ये वाला कर लेता हूँ, सही है। तो तीन आर्टिकल यहाँ पे मेरे पास आ गए। अच्छा, इसका जो व्यू है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है मुझे। अच्छा, इस तरह से इसका व्यू क्यों नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि कंटेंट के अंदर इमेज है और इमेज के फौरन बाद एक डिव मौजूद है। अरे यार, अभी मैंने फ्लेक्स बॉक्स बनाया था ना, अच्छा मैंने उधर उसको फेयर नहीं किया, इसको इसलिए रिफ्रेश पे वो गायब हो गया, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था डिस्प्ले फ्लेक्स, और क्या था, मार्जिन टॉप 1 em, और मैंने क्या दिया था इसको, जस्टिफाई कंटेंट, सही है। अच्छा, तो कुछ इस तरह से ये रिज़ल्ट इसका आ चुका है जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो CSS की क्योंकि मैंने फेयर नहीं की थी इसलिए वो दिखा नहीं था। अच्छा, ऐसा इस वजह से हो रहा है कि कंटेंट मेरा ये मौजूद है जो कि हेडर के फौरन बाद है, और वो कंटेंट क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स है तो फ्लेक्स बॉक्स की जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन है वो रो पे होती है, तो ये सही जा रहा है बिल्कुल रो। अच्छा, मैंने सेंटर तो किया था बट वो एक था तो सेंटर हो जा रहा था जस्टिफाई कंटेंट, लेकिन अब उसमें क्योंकि स्पेस नहीं बचा तो वो डिस्ट्रीब्यूट होने का, स्पेस डिस्ट्रीब्यूट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, पहले स्पेस था तो वो सेंटर में हो जाता था। अच्छा, अब इसका मुझे हल क्या निकालना पड़ेगा, इसका हल मुझे ये निकालना पड़ेगा, फ्लेक्स रैप नहीं, फिर फ्लेक्स रैप से ये होगा अलग डिव में करना होगा,
हाँ अलग डिव में करना होगा, तो मेरे कंटेंट के अंदर एक टॉप बार होगा, वो एक डिव होगा जिसके अंदर मेरी इमेज होगी, फिर उसके नीचे एक और डिव होगा वैसा ही, जिसके अंदर तीन तीनों बॉक्सेस होंगे, ठीक है? और फिर तीनों बॉक्सेस के अंदर क्या होगा वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो हमें इसको कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा कि मेरे पास जो हैड यहाँ पे एक डिव होगा, सही है, और इस डिव को मैं क्लास दूंगा कि भाई आप क्लास हो बैनर, सही है, मैं कहूँगा कंटेंट के अंदर बैनर, ऐसे करके बोलूँगा तो मुझे ये पकड़ में आ जाएगा। तो कंटेंट के अंदर जो बैनर है उसको एक्चुअली अब मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा मेरा पूरा जो कंटेंट है इसकी विड्थ में डिफाइन कर दूंगा, और इसकी विड्थ वंस डिफाइन हो गई तो फिर नीचे की सारी चीज़ें ओके होती चली जाएंगी, ठीक है? मेरा जो कंटेंट है ये डिस्प्ले फ्लेक्स है, इसकी मैं विड्थ भी डिफाइन कर दूंगा, यहाँ पे विड्थ जो है वो 960 है, ठीक है? अच्छा नो मैटर वॉट ये 960 ही रहेगी, इसमें मैं मिनिमम मैक्सिमम अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहा। अच्छा तो ये एक बैनर हो गया मेरा, उसके बाद क्या होगा, आर्टिकल सेक्शन, ठीक है? आर्टिकल सेक्शन के अंदर ये तीन आर्टिकल्स हो गए। तो अब मेरे पास क्या है, मेरा एक अदद कंटेंट है, उसमें एक ऐसे डिव बनी हुई है जिसमें इमेज रहेगी, उसके एग्जैक्ट नीचे एक और ऐसे डिव बनी हुई है। अच्छा तो अब इन दोनों डिव को मुझे क्योंकि एक के बाद एक करना है, तो मैं इस पेरेंट को बोलूँगा कि आपका फ्लैक्स डायरेक्शन क्या हो जाए, बाय डिफ़ॉल्ट तो रो होता है, यानी वो ऐसे और ऐसे रखेगा, लेकिन मुझे एक टॉप पे एक बॉटम पे उसके लाना है, तो मैं फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूंगा इसको। नहीं उस पर भी कुछ लगाएंगे हम, अभी अभी देखते हैं उस पर क्या लगाना है। अच्छा कंटेंट, अच्छा तो इस कंटेंट को मैं बोलूँगा कि भाई आप 960 हो, आप डिस्प्ले फ्लेक्स हो, और आपका जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो आपका कॉलम है। आगे देखते हैं ज़रा, तो कुछ इस तरह का रिजल्ट मेरे पास मौजूद है अभी। अच्छा अब क्योंकि जो मेरा कंटेंट है उसकी विड्थ 960 है, तो उसको बट ये नहीं पता चल रहा है कि उसको रहना कहाँ है, ठीक है? तो हमारे पास, हाँ, जो मेरा कंटेंट है उसकी खुद की विड्थ 960 है, तो मतलब स्क्रीन पे जगह बच रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसने खुद रहना कहाँ है, सेंटर में रहना है। अच्छा अब इसको सेंटर में करने का एक तो तरीका ये कि मैं इसके पेरेंट को जाके बोलूँ कि भाई अपने चाइल्ड को संभालो, एक मैं ये भी बोल सकता हूँ इस खुद के इस चाइल्ड को कि भाई तुम अपने आप को एडजस्ट कर लो, सही है, बोल सकता हूँ ना मैं, ये CSS ट्रिक्स में मैं जाता हूँ, जो हम कल आर्टिकल पढ़ रहे थे उसके अंदर ये दोनों बातें लिखी हुई हैं। मैं पेरेंट को भी जाके बोल सकता हूँ कि भाई जस्टिफाई कॉन्टेंट करके, ये रहा ये जस्टिफाई कॉन्टेंट किस पे लगेगा, ये पेरेंट पे लगेगा, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे देखो डॉट कंटेनर करके जस्टिफाई कंटेंट लगाया है, तो चिल्ड्रन सारे खुद ही सेट हो जाएंगे, ठीक है? या चिल्ड्रन एक तो ऐसे हॉरिजॉन्टली करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट है, वर्टिकली करने के लिए अलाइन आइटम्स है, अलाइन आइटम भी मैं किस पे लगा रहा हूँ, डॉट कंटेनर पे लगा रहा हूँ, ठीक है? यानी कि पेरेंट के ऊपर लगा रहा हूँ, और अलाइन आइटम कहता हूँ मैं कि भाई आप टॉप फ्लैक्स स्टार्ट फ्लैक्स एंड, तो क्या होता है ये पेरेंट अपने सारे चिल्ड्रन को ऊपर नीचे आगे पीछे कर देता है, चलता है। आइटम्स के ऊपर अलग प्रॉपर्टी है ना, आइटम पे लगाने वाली है रहा अलाइन सेल्फ। अब अलाइन सेल्फ में मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई आप फ्लैक्स स्टार्ट हो जाओ या फ्लैक्स एंड हो जाओ, ठीक है? अच्छा एक चीज़ बहुत गौर से समझोगे ना तो फ्लैक्स बॉक्स में कभी भी नहीं फंसोगे, कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना जो हॉरिजॉन्टल ऐसे और ऐसे कर रही है, हॉरिजॉन्टल जो कर रही है उसका क्या नाम है, जस्टिफाई कॉन्टेंट, जो हॉरिजॉन्टली लेफ्ट राइट या सेंटर में कर देती है कॉन्टेंट को, जैसे ही मैं इसका डायरेक्शन चेंज करूंगा, फ्लेक्स डायरेक्शन को पहले रो होता है बाय डिफॉल्ट, तो ये रो के हिसाब से बताया मैं, जैसे ही फ्लेक्स डायरेक्शन में कॉलम करूंगा ना ये अपोजिट हो जाएगा, जो हॉरिजॉन्टली ऐसे करता था ना अब वो वर्टिकल करना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो? अच्छा और जो वर्टिकल करता था वो हॉरिजॉन्टल करना शुरू हो जाएगा, तो पेरेंट में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों है ना पेरेंट में, तो ये हॉरिजॉन्टल है नीचे वर्टिकल है, ये वाला वर्टिकल,
अलाइन करता है, तो ये स्विच हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ना हमने कॉलम कर दिया उसको, ठीक है। तो अच्छा, अभी जैसे फ्लैक्स स्टार्ट से ये जाता है टॉप पे और फ्लैक्स एंड से आता है ये नीचे, ठीक है, ये लेफ्ट राइट हो जाएगा। अच्छा, इवन अगर मैं उसको रो रखूँ और रो रिवर्स कर दूँ तो क्या होगा? रो रिवर्स में या कॉलम रिवर्स में करूँगा अगर, तो इसकी साइड्स भी स्विच हो जाएंगी। हाँ, तो फ्लैक्स स्टार्ट अभी अगर रो होता है ना बाई डिफ़ॉल्ट, तो फ्लैक्स स्टार्ट कहाँ से होता है? अगर मैं यहाँ वापस आऊँ इसके ऊपर, तो इसमें ये फ्लैक्स स्टार्ट लेफ्ट पे, अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें, और टॉप की बात करें तो फ्लैक्स स्टार्ट टॉप पे, टॉप बॉटम पे। तो अगर मैं इसको रिवर्स करूँगा, अगर रो रिवर्स करूँगा तो स्टार्ट फिर कहाँ हो जाएगा? फिर राइट पे हो जाएगा। और अगर कॉलम रिवर्स करूँगा तो वो वाला जो है वो बॉटम से स्टार्ट हो जाएगा, सही है। तो ये स्विच हो जाते हैं साइड। अच्छा, इसी तरीके से फिर ये वाला भी अपने आप को स्विच करेगा। कहाँ गया फ्लैक्स अलाइन सेल्फ? ये रहा अलाइन सेल्फ। देखो, फ्लैक्स स्टार्ट से ये टॉप पे आता है, फ्लैक्स एंड से ये बॉटम पे जा रहा है। लेकिन अगर मैं रो, अभी रो होता है बाय डिफॉल्ट, तो उसके हिसाब से, तो रो रिवर्स अगर करूँगा मैं, सॉरी, अगर मैं इसको कॉलम करूँगा तब तो वो पूरा साइड ही स्विच कर जाएगा ना। वेल, जो भी अभी है ये अपने साइड्स भी स्विच करेगा और स्टार्ट एंड भी स्विच करेगा, डिपेंडिंग ऑन के क्या वो फ्लो चल रहा है। अभी वो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो गई है, तो अभी उसको लगा के देखेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा, सही। क्योंकि बताने में ना उस तरह से बंदा उसको कैनवास पे इमेजिन नहीं कर पाता। वेल, तो अलाइन सेल्फ करके जो है ना, मैं उसको क्या बोल सकता हूँ? हाँ, अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि बॉडी है ना, बॉडी इज़ नॉट अ फ्लैक्स बॉक्स, बॉडी इज नॉट अ फ्लैक्स बॉक्स। अच्छा, ये हेडर फ्लैक्स बॉक्स है, इसके अंदर मौजूद कंटेंट फ्लैक्स बॉक्स है, ठीक है। अब कंटेंट जो फ्लैक्स बॉक्स है, तो मुझे कंटेंट को बोलना है कि अपने चाइल्ड को या तो सेंटर में कर लो, या तो कंटेंट के अंदर मौजूद चाइल्ड को जाके बोल दूंगा कि अपने आप को तुम एडजस्ट कर लो। नहीं नहीं, देखो ये रहा ना, कंटेंट मेरा फ्लैक्स बॉक्स है ना, कंटेंट के अंदर मौजूद है बैनर और आर्टिकल। अच्छा, अभी कंटेंट को मैंने क्या बोला है, जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाए? आपकी कॉलम हो जाए। तो ये पहले आता है, ये उसके बाद आता है, लेकिन ये दोनों सेंटर में नहीं है। तो मैं इस कंटेंट के ऊपर ऐसा क्या लगाऊं कि ये दोनों सेंटर में हो जाए? जस्टिफाई कंटेंट तो करता हॉरिजॉन्टल था, लेकिन अब स्विच हो गया साइड, तो वो अलाइन आइटम्स लगेगा, सही है। तो मैं कंटेंट पे आके क्या बोलूँगा? अलाइन आइटम्स सेंटर, सेंटर ही था ना, क्या था यार, क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या हुआ भला? अच्छा, असल में वो इस वजह से नहीं हुआ कि जो कंटेंट है ना मेरा, उसकी विड्थ कम है, और वो है चाइल्ड बॉडी का। तो या तो मुझे बॉडी से उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, या तो मुझे उसको बोलना पड़ेगा कि भाई अलाइन सेल्फ हो जाओ तुम, अलाइन सेल्फ। अच्छा नहीं, अलाइन सेल्फ भी काम, अलाइन तो ये सेल्फ काम जब करेगा जब पेरेंट फ्लैक्स बॉक्स होता है। तो इसको मैं किसी भी सूरत में सेंटर नहीं कर सकता। एक काम मैं और कर सकता हूँ, एक काम मैं ये कर सकता हूँ कि ये कंटेंट है ना, इसको मैं फिक्स विड्थ ना दूँ, इसके अंदर एक और डिव बना के उसको फिक्स कर दूँ, मैं ये कर सकता हूँ, उससे फिर मेरा मसला सेट हो जाएगा। या मे बी मैं बॉडी को फ्लैक्स बॉक्स बना देता हूँ ना, क्या हुआ, चलो बॉडी को फ्लैक्स बॉक्स बना देता हूँ, बॉडी को मैंने एक वो दे दिया और मैं बिल्कुल टॉप पे आके बोलता हूँ कि भाई ये डॉट बॉडी जो है ना वो क्या है, डिस्प्ले फ्लैक्स है, ठीक है। अच्छा, डिस्प्ले फ्लैक्स बोलूँगा तो वो ज़ाहिर है रो पे ले जाएगा उसको, तो उसका वो भी चेंज करना पड़ेगा मुझे, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो ये सेट हो गया। अब क्योंकि बॉडी जो है वो अब फ्लैक्स बॉक्स है, तो बॉडी के अंदर मौजूद ये चाइल्ड है, अब इसको मैं कह सकता हूँ कि भाई अब तुम अलाइन सेल्फ करो। अच्छा, ये कॉलम पे हुआ हुआ है, ऐसे यूँ हुआ हुआ है,
ठीक है, और मुझे ऐसे हॉरिजॉन्टली करना है, तो जो चीज़ वर्टिकल थी वो हॉरिजॉन्ट, तो अलाइन आइटम्स बोलूँगा मैं किस पे बोलूँगा, बॉडी पे जाके बोलूँगा ना अलाइन आइटम्स। अच्छा, बॉडी पे जाके अगर मैं अलाइन आइटम्स बोलूँगा तो हेडर को भी ये चीज़ लग रही होगी, बट मैं हेडर को नहीं लगाना चाहता, मैं कहता हूँ सिर्फ इसको लगे। तो मैं कॉन्टेंट पर आके क्या बोल देता हूँ, अलाइन सेल्फ और सेंटर। बहुत जुगाड़ करके, मतलब जुगाड़ तो नहीं किया हमने, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ गया हमें, सही है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा। ठीक है जी, मैं इसको ज़रा इधर फेयर कर देता हूँ फिर बताता हूँ। फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने इसको कॉलम किया और अलाइन आइटम सेल्फ किया ना मैंने, किसको किया अलाइन आइटम सेल्फ, कंटेंट को किया। अलाइन सेल्फ किया था मैंने उसको, अच्छा अब दोबारा से इसको देखते हैं, समझते हैं कि क्या चक्कर चल रहा है यहाँ पे। सबसे पहले मेरे पास एक बॉडी है, बॉडी के दो चाइल्ड हैं, हेडर और डिव। बॉडी एक फ्लेक्स बॉक्स है, बॉडी का जो फ्लेक्स बॉक्स का डायरेक्शन है वो कॉलम है यानी ऊपर से नीचे की तरफ, तो हेडर टॉप पे आएगा, डिव उसके नीचे आएगा। ठीक है, अच्छा हेडर के अंदर की चीज़ें वो तो हमें पता है सारी, ठीक है, हेडर पे मज़ीद हमने कोई काम नहीं किया। अच्छा, और ये जो बॉडी का फ्लेक्स बॉक्स है ये जस्ट हेडर तक इसका इन्फ्लुएंस है, हेडर के अंदर नहीं होगा, हेडर के मतलब डायरेक्ट चाइल्ड पे सिर्फ इन्फ्लुएंस होता है, तो हेडर के अंदर वाली चीज़ को ये छेड़ेगा नहीं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये डिव है, बॉडी की जो विर्थ है वो डिवाइस की विर्थ है यानी 1000 पिक्सल, और ये जो मेरा डिव है इसकी विर्थ है 960 पिक्सल जो मैंने फिक्स की है जानबूझ के। तो फिक्स करने की वजह से क्या हो रहा था, ये मेरी बॉडी हल्का सा लेफ़्ट पे हो जाती थी विड्थ कम होने की वजह से, बट मुझे वो चाहिए थी सेंटर में। तो मैंने, क्योंकि मैं चाइल्ड को ये कह सकता हूँ कि तुम अपने आप को सेंटर में कर लो अलाइन सेल्फ करके, या मैं बॉडी को बोल देता कि अपने अलाइन आइटम्स करके कि अपने बच्चों को सेंटर में करूँ, या मैं बच्चे को डायरेक्ट बोल सकता हूँ। तो मैंने इसको डायरेक्ट आके ये बोला कि भाई आप क्या हो जाओ, अलाइन आइटम्स, आप सेंटर हो जाओ, तो जिससे ये डिव अलाइन सेल्फ, यस अलाइन सेल्फ को मैंने बोला कि भाई आप अलाइन सेल्फ कर लो। ठीक है भाई, तो अलाइन सेल्फ करने से उसने अपने आप को सेंटर में कर लिया। अच्छा, वंस वो सेंटर में हो गया कंटेंट, तो कंटेंट में मेरे पास क्या है, एक अदर डिव है जिसमें मेरी इमेज रहती है, बट कंटेंट को मैंने वो भी दिया था, मार्जिन भी दिया था, वो भी नहीं आया, मार्जिन टॉप 1 EM, सही है, ये मार्जिन भी आ गया है यहाँ पर अब। अच्छा, तो अब मेरे पास क्या हो चुका है, ये कंटेंट के अंदर मौजूद जो ये बैनर वाला डिव था यहाँ तक का काम मैंने सेट कर लिया है। उसके बाद ये जो आर्टिकल वाला सेक्शन है अब इसको मुझे सेट करना है। आर्टिकल वाले सेक्शन में मुझे ये जो 3 आर्टिकल्स हैं ये मुझे टॉप टू बॉटम नहीं चाहिए, ये मुझे चाहिए रो में। अच्छा, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं इस आर्टिकल सेक्शन को, अभी ये आर्टिकल सेक्शन दिस इज़ नॉट अ फ्लैक्स बॉक्स सो फार, तो इसको जैसे ही मैं आके बोलूँगा ना कि बच्चा आप क्या हो जाओ, फ्लैक्स बॉक्स हो जाओ, ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो गया, इसके जितने चाइल्ड थे यानी कि 3 आर्टिकल तीनों इसके चाइल्ड थे, वो तीनों के तीनों ऐसे रो में बिछ गए, सही है। तो अब इसमें मार्जिन वगैरह हम लगाएंगे, मुझे मार्जिन क्या देना होगा, इस जो मेरा आर्टिकल सेक्शन है इसको तो मैं मार्जिन टॉप दूंगा ऊपर से 1 EM, इसको मैं नीचे करूंगा पहले, मार्जिन डैश टॉप 1 EM, मैंने इसको इमेज से थोड़ा सा नीचे किया, ठीक है, 1 EM नीचे हो गया ये। अब इटसेल्फ जो आर्टिकल्स होंगे उनका मार्जिन और पैडिंग अपना अपना होगा, तो ये मैंने किस पे लगाया, ये मैंने आर्टिकल सेक्शन के ऊपर ये चीज़ अप्लाई की है, इसको मैं ज़रा फेयर कर देता हूँ। AR ठीक है, ये मैंने फेयर कर दिया, तो ये मुझे इस तरह से दिखने लग गया अब। अच्छा,
इसके अंदर एक इमेज का भी टैग है, बट क्योंकि उसमें इमेज लगी भी नहीं है इसलिए वो दिख रहा नहीं है मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, एक इमेज उठा लेता हूँ जाके, और इसी साइज़ में, जिस साइज़ में इन्होंने बताया हुआ है, इन्होंने क्या साइज़ बताया हुआ है, ज़रा 350 पिक्सल बताया हुआ है, 350 बाई 180, राइट, 350 बाई 180, 350 मल्टीप्लाई बाई 3, अभी ये तो 1000 पिक्सल से भी ऊपर हो जा रहा है, 250 है ये, 250 मल्टीप्लाई बाई 3, 750 है, सही है, जो बचेगा वो मार्जिन में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो 250 बाई 180 है ये, तो 250 बाई 180 की मुझे इमेजेस चाहिए, यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, टू फिफ्टी बाई 180 की मुझे आर्टिकल इमेज चाहिए, unsplash.com पे ही जाता हूँ मैं, और मैं लिख देता हूँ कि भाई PHONE, ये वाली इमेज आई थिंक मुझे चाहिए होगी, इसको डाउनलोड करते हैं जल्दी से, 2.3 MB का साइज है, सही है, इमेज के साइज में जाऊंगा मैं, इमेज साइज को जाके मैं क्या चेंज करना है, 250 बाई 180, तो मैं यहाँ पे आके ना 8000 साइज़ है इसका, तो मैं इसको 250 बोलूँगा, और हाइट इसकी 187 आई है, वो बाद में मैं क्रॉप करके 7 पिक्सल गायब करा दूँगा, ठीक है, ओके कर दिया मैंने इसको, कितना देखो छोटी हो गई इमेज ये, लेकिन अभी भी डिटेल है इस इमेज के अंदर, यार वैसे काफ़ी घटिया क्वालिटी की इमेज बन गई है अभी, है ना, इसको एक काम करते हैं, हम कोई दूसरे एल्गोरिथम से चेंज करते हैं, 250 करते हैं इसको बाई क्यूबिक से, कोई फ़र्क नहीं है, वेल चलो हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है, वरना इसके साथ हम मज़ीद खेलते, फिक्स्ड साइज़, और मैंने कहा कि भाई 250 बाई 180, सही है, तो ऊपर से थोड़े से कुछ पिक्सल गायब हो रहे हैं, तो वो मैं ऊपर वाली साइड पे करके उसको चेक लगा देता हूँ, तो ये मेरी इमेज बिल्कुल सेट हो गई है, कंट्रोल एस का बटन दबाया मैंने, भाई क्यों अटक गया यार, ये असल में मेरे मशीन का GPU यूज़ कर रहा है ये, इसको प्रोसेस करने के लिए ना मेरे मशीन पे ही प्रोसेस कर रहा है इसको, क्या कर दिया मैंने इसके साथ, ये एक्सपोर्ट कर लेते हैं यार, एक्सपोर्ट एज JPG, JPG और सेव, सही है, जितनी देर में इसने किया ना उतनी देर में एक्सपोर्ट हो गया ये, अब मैंने क्या करना है, डाउनलोड्स में जाना है अगेन, और डाउनलोड्स में जाके मेरे पास ये वो फ़ोटो पड़ी हुई है, सही है, 5 KB की, मैं इसको कहता हूँ article.jpg, और इसको उठा के मैं लाता हूँ अपनी ऐप के अंदर, सही है, article.jpg ये आ गया मेरे पास, और फ़िलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ,
तीनों में एक जैसी इमेज लगा रहा हूँ, आर्टिकल डॉट जेपीजी, सही है, तीनों में एक जैसी इमेज आ गई। अच्छा, जैसे ही ये इमेज लगी है आप नोट करें कि क्योंकि स्पैन जो था वो इनलाइन था तो वो इमेज के साथ साथ ही आगे बढ़ गया, सही है। तो मैं भी उस स्पैन को मैं डिव बना देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है कि उसको मैं स्पैन रखूँ, सही है, मैं इसको डिव बना देता हूँ। अच्छा, इनलाइन वगैरह तो वो खुद ही देख लेगा जो फ्लैक्स बॉक्स है, सही है, तो फ्लैक्स बॉक्स ने उसको खुद ही सेटमेंट कर दिया। अच्छा, तो मेरे पास इसके नीचे एक अदद लाइन है छोटी सी, एक अदद लाइन है और एक नीचे पैराग्राफ है ना, दैट्स इट, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है अब इसमें। अच्छा, अभी इसमें ना कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स इसमें ये है कि ये मेरा आर्टिकल सेक्शन है पूरा का पूरा और ये एक डिव है, सही है, उसके बाद ये एक डिव है और उसके बाद ये एक डिव है। अब इस डिव के अंदर जो टेक्स्ट है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी इमेज में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इमेज को चाहिए कि जितनी भी अवेलेबल स्पेस है वो टेक्स्ट के बराबर ही ले, टेक्स्ट से ज़्यादा या कम ना ले, जैसा कि मेरे इस वाले में भी हुआ हुआ है। कहाँ गया मेरा वो, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इमेज और टेक्स्ट की जो विड्थ है ना वो एक जैसी है। अब ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ईच आर्टिकल को विड्थ देनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, ईच आर्टिकल ने ना विड्थ ऑटोमेटिकली ली हुई है, इक्वली उसने डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, तो मुझे ईच आर्टिकल को आके थोड़ा सा मार्जिन देना होगा और फिर अंदर जाके उसको मैं टैक्स वैक्स 100% वगैरह ये सब कर दूंगा मैं। तो थोड़ा सा मैं मार्जिन दे दूंगा इसको 1 EM, सही है, पैडिंग दे दूंगा मैं 1 EM। ये एक पे क्यों लग रहा है, अरे भाई ये एक पे क्यों लग रहा है, यहाँ पे आके दे देता हूँ ना, क्या नाम था इसका, मैंने आर्टिकल नाम रखा हुआ है, मैंने कहा आर्टिकल सेक्शन के अंदर जो आर्टिकल है, सही है, ईच आर्टिकल को मैंने ये चीज़ें प्रोवाइड की हैं। तो ये ईच आर्टिकल के पास ना ये आ गया मेरे पास, ईच आर्टिकल ज़रा देख लेते हैं इसको चल के। ईच आर्टिकल को कुछ ना कुछ मार्जिन भी मिल गया, कुछ ना कुछ पैडिंग भी मिल गई है, उसके अंदर ये एक इमेज है, एक सब टाइटल है और एक ये पैराग्राफ है, ठीक है। जस्ट इमेज को एक प्रॉब्लम हो रही है कि इमेज 100% नहीं ले पा रहा है अपने पेरेंट का, तो मैं इस इमेज पे आके अगर लगा देता हूँ विड्थ 100%, तो ये मेरा मसला बिल्कुल सेट हो गया। थोड़ा सा कुछ पिक्सल्स में डिफरेंस था वो था। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये इमेज आप देखें कि शुरू कहाँ से हो रही है, यहाँ से शुरू नहीं हो रही, थोड़ा अंदर आके शुरू हो रही है इस जगह से, तो इसको मैं सही करने के लिए क्या करूँगा, नहीं लेफ्ट में मार्जिन थोड़ी होगी, पहले तो मैं इमेज को अंदर आके वो दे देता हूँ ना 100%। मैंने कहा कि आर्टिकल के अंदर जो IMG है, सही है, विड्थ 100%, सही है, ताकि जितना टेक्स्ट ने लिया हुआ है साइज़ उतना ही साइज़ वो भी ले लें, सही है। अभी देखिए जितना टेक्स्ट ने साइज़ लिया हुआ है उतना ही उसने भी लिया हुआ है, बल्कि इस पे पैडिंग की शायद ज़रूरत नहीं है, हमें पैडिंग की हमें ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई बॉर्डर नहीं है ना, पैडिंग की ज़रूरत हमें जब होती है जब बॉर्डर होता है, ताकि बॉर्डर से चिपके नहीं, पैडिंग के बगैर सही है। जस्ट एक प्रॉब्लम रह गई अब कि ये जो मेरा इमेज बड़ा वाला है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, अब ये क्या क्या इसका वो प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों कर रहा है ये, हाँ भाई, बताओ ना, देख के बताओ, यहाँ पे हाथ रख रहा हूँ तब तो बराबर आ रहा है, जो कंटेंट का साइज है
बैनर ने भी ऑटोमेटिक वही साइज़ लिया है और इसने भी वही साइज़ लिया है बाई डिफ़ॉल्ट। अभी यही तो बोलना था, यही तो बोलना है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो इसमें असल में वो फ़ौरन इस वजह से शुरू नहीं हो रहा वहाँ से क्योंकि मार्जिन लगा हुआ है उस पर, और मार्जिन क्योंकि बाहर बॉक्स में एड अप होता है तो वो असल में शुरू हो यहीं से रहा है। असल में इमेज ये यहीं से शुरू हो रही है, बट इतना हिस्सा मुझे दिख रहा नहीं है इसका मार्जिन की वजह से। अब इसका मैं क्या हल निकालूँ? इसका मार्जिन ये हटा दिया मैंने, अब मार्जिन हटाने से ही हुआ ये चपक गया आपस में, मुझे दूर भी रखना है इसको। मार्जिन लेफ्ट का, अच्छा तुम ये कह रहे हो कि मैं सिर्फ लेफ्ट पे हटा दूं मार्जिन, अच्छा तो मैंने कहा कि जीरो ईएम और राइट पे वन ईएम रखूं, लेफ्ट का हटा दूं। तीनों पे अप्लाई है ना ये, तो यही तो क्वेश्चन है कि तीनों, वो तो मैं जो भी करूँगा वो तीनों पर होगा। नहीं, स्पेस बिटवीन तो मैं जब लगाऊंगा ना जब मैं उसकी कोई विड्थ डिफाइन करूंगा, उसकी तो मैंने कोई विड्थ नहीं, वो चपकी भी आपस में ना, अभी तो ये इमेज इसलिए फील नहीं हो रहा, वो इमेज जब चेंज होगी तो बहुत फील होगा। अगर मैं इसमें बॉर्डर लगा दूं, तो मुझे एग्जैक्टली पता चलने लग जाएगा कि क्या चीज़ कहाँ तक है। आप सोचो, एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं बीच वाले को आके लेफ्ट और राइट दोनों पे मार्जिन दे दूँ और बाकी साइड वालों को मैं ना दूँ। अच्छा, साइड वालों को फिर पैडिंग की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि बॉर्डर तो मैंने वैसे लगाना नहीं है, वो तो मैंने वैसे ही फ़िलहाल लगा दिया, ठीक है। या अगर पैडिंग चाहिए होगी तो मैं इन टेक्स्ट वाले एलिमेंट्स को अलग से आके पैडिंग दे दूँगा, तो ये पैडिंग अपना पकड़ लेंगे, सही है। तो कोई और भी तरीका हो सकता है क्या? क्या ऑप्शन था, नाम बताओ उसका। नहीं, उस प्रॉपर्टी का नाम तो बताओ ना जो बी एक, उसको क्या था, फ्लेक्स गैप क्या था? इसमें तो आ ही नहीं रहा फ्लेक्स गैप। अच्छा अच्छा हाँ, और सही कह रहे हो, रो गैप करके था, लेकिन हमें इस वक्त कॉलम गैप चाहिए। वो भी अंदर असल में मार्जिन का ही इस्तेमाल कर रहा होता है, सही है। नहीं यार, इससे मेरा मसला हल हो गया, ये मार्जिन का इस्तेमाल कर रहा था लेकिन गैप था तो सिर्फ दरमियान में लगाया इसने, साइडों पे नहीं लगाया, तो मैंने कहा कि भाई 2 EM। अब मैं बॉर्डर हटा सकता हूँ ईजली, ये मेरा मसला इससे भी हल हो गया, ठीक है। लेकिन एक ऑप्शन मेरे पास ये भी था कि मैं क्या कर देता, उसमें जाके जो है ना बीच वाले को एक डिफरेंट क्लास देता, क्योंकि तीन ही है ना वो, अगर तो बिल्कुल डायनेमिक होता फिर मैं फिर तुमको दूसरा हल निकालना पड़ता, लेकिन वो हाँ तो इसने वो जो एफिशिएंसी का इसने जिक्र किया था ना, देखो एफिशिएंसी इसकी आ गई यहाँ पे कि कम एफर्ट पुट करके अच्छे खासे काम कर दे रहा है ये। अच्छा, तो आर्टिकल सेक्शन के ऊपर मैंने गैप लगाना है, सही है, और मार्जिन मैंने हटा दिया था इस पे से, सही है, मार्जिन हटा दिया था, मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मेरे पास जो अंदर टेक्स्ट है ना, ये वाला टेक्स्ट, इन टेक्स्ट को मुझे कुछ ना कुछ पैडिंग देनी पड़ेगी, सही है, क्योंकि ये टेक्स्ट ना बहुत शार्पली इसके साथ अलाइन हो रहा है, इतना शार्पली अलाइन इसको आमतौर पर नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको जाके ना कुछ पैडिंग इसको दूंगा मैं, क्योंकि बगैर पैडिंग के उसका दम घुट रहा है। अच्छा, पैडिंग इसको मैं कैसे दूंगा,
मैं कहूँगा आर्टिकल सेक्शन आर्टिकल, और इसके अंदर क्या है मेरे पास, एक डिव है एक पैराग्राफ है, तो मैं कहूँगा कि डिव, ठीक है, और पैराग्राफ, सही है, और मैं बोलूँगा इन दोनों पे लगाना है ये जो भी लगाना है। ये एरर किस चीज़ का दे रहा है भाई? हाँ कॉमा नहीं डाला मैंने, कॉमा चाहिए होता है क्या यहाँ? अच्छा वो इसलिए का टेस्ट दे रहा है। अच्छा तो मैंने क्या देना था उसको, पैडिंग देना था 1 em। अप्लाई हुआ नहीं हुआ, कॉमा देना होता है इसको, हाँ कॉमा देना होता है, सही है। अच्छा 1 em काफ़ी ज़्यादा हो गया, 0.2 इसको 2 कर देता हूँ, 0.3 कर देता हूँ, सही है, बेटर लग रहा है। हाँ दे सकता हूँ बिल्कुल, इसको मैं डायरेक्ट डायरेक्ट डिव डायरेक्ट पैराग्राफ करके भी दे सकता हूँ, बट प्रॉब्लम ये होगा कि मेरे पूरे पेज में जितने डिव होंगे सब पे लग जाएगा। नहीं ये मैंने दो दो सेलेक्टर लगाए ना, मैंने कहा डिव और मैंने कहा ये पैराग्राफ, तो मैंने दोनों का पूरा पूरा एड्रेस लिखा है। अगर मैं तुम ये कह रहे हो ये पी मैं यहाँ लिख देता ना, तो ये ढूंढता पैरा डिव के अंदर पैराग्राफ ढूंढता फिर, ये समझ रहे हो? नहीं दोनों पे इस तरह नहीं, दोनों पे लगाने के लिए ऐसे करना होगा, ये दोनों का मैंने पूरा पूरा एड्रेस लिखा है, ठीक है। अगर मैं इसके आगे पी लिख देता ना यहाँ पे, तो ये फिर डिव के अंदर पी ढूंढता, ये जो स्पेस होता है ये स्पेस कौन सा सेलेक्टर होता है, ये जो मैंने यहाँ दिया है स्पेस का सेलेक्टर, एक क्लास का नाम लिखा फिर स्पेस डाल के फिर दूसरी क्लास का नाम लिखा, ये स्पेस क्या होता है, डिसेंडेंट सेलेक्टर होता है ये, सही है। कि आर्टिकल सेक्शन के अंदर किसी भी जगह पे आर्टिकल नाम की क्लास हो ना वहाँ पे अप्लाई करें, फिर उसके अंदर आर्टिकल वाले क्लास जहाँ पे मिल जाए फिर उसके अंदर कहीं पे भी डिव मिले तो उस पे ही अप्लाई करें, ठीक है। तो ये डिसेंडेंट सेलेक्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। अच्छा मैं डायरेक्ट चाइल्ड का भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन डिसेंडेंट फ़िलहाल चल रहा है तो चला देते हैं उसको, ठीक है। अच्छा ये भाई मेरा, मेरी जो बेसिक वेबसाइट थी जो हमने बनानी थी वो तैयार हो गई है, और ऊपर का जो बार है ये अगर छोटा लग रहा है तो इसकी वो हाइट वाइट हम बढ़ा सकते हैं। हमारा जो हमारे वाले इसका जो रेशो है और इनके वाले का जो रेशो है ये काफ़ी डिफरेंट लग रहा है ना, इसको ज़रा सेट कर लेते हैं तो हमारी ये वेबसाइट जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अच्छा इसको सेट करने के लिए मैं अपने डेवलपर टूल को नीचे लेकर आ जाता हूँ, ठीक है, और मैं इसको सेट कर लेता हूँ कितने पे, लैपटॉप वाली स्क्रीन पे सेट कर लेता हूँ ये 1024 पे, जिसमें ये नॉर्मली खुला करेगा। और इस पे आके मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ कि भाई किस चीज़ की हाइट विर्थ का क्या चक्कर है, क्यों ये ऐसा कर रहा है। अच्छा ये मेरा नया है टोटल, जिसको मैंने हाइट तो दी हुई है लेकिन इसको मैंने विर्थ वगैरह नहीं दी हुई है। अच्छा जो मेरा एल आई है इसकी पहले तो मैं हाइट बढ़ा देता हूँ ना थोड़ी सी, क्योंकि उसमें हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं इसको 2.9 कर देता हूँ, बल्कि पूरा 3 कर देता हूँ, सही है, इसकी मैंने हाइट को पूरा 3 कर दिया। अच्छा उसके बाद ये ज़ाहिर है पैडिंग भी मैंने उसी हिसाब से लगाई हुई थी, तो ओके ये मेरा नैव है, उसके अंदर यूएल है, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया ना, ये लास्ट टाइम हुआ था हमने कुछ किया था इसके साथ जो सही हुआ था ये। वेल मुझे पैडिंग शायद थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी इसकी, ठीक है, पूरा 1 em इसको मैंने कर दिया, पैडिंग को पूरा 1 em कर दिया तो वो दोबारा से सेंटर में हो गया, हाइट 2 em और उसके अंदर पैडिंग 1 em तो वो बीच में हो गया, बिल्कुल सेंटर हो गया। अच्छा गैप 10 पिक्सल है, तो मैं गैप थोड़ा इसका बढ़ा देता हूँ, क्योंकि उन्होंने हेडर काफ़ी
बड़े साइज का बनाया हुआ था, तो मैं इसको कह देता हूँ कि यार 10 EM, 10 EM तो ज़्यादा हो गया, 3 EM। अच्छा, वो गैप, ईच गैप की बात कर रहा है, तो वो 2-2 EM का गैप काफ़ी बड़ा गैप है, 3 EM में थोड़ा बड़ा हो जा रहा है ये। नहीं, बजाय इसके मैं गैप इसको ज़्यादा दूँ, गैप मैं इसका रख देता हूँ 2 EM, और इसके मैं साइज़ को भी बढ़ा देता हूँ। ईच एल आई जो है ना मेरा, एल आई का साइज़ बहुत छोटा है। आमतौर पर होता ही है कि हमें एल आई का साइज़ बड़ा रखना होता है, क्योंकि क्लिक इसी पर हो रहा होता है ना, ताकि वो क्लिक प्रॉपर हो रहा हो। ये जो यू एल को मैंने पैडिंग दी हुई है ना, इसकी वजह से, इसकी बजाय मैं इस वाले को मार्जिन दूंगा ताकि वो क्लिकेबल रहे वो एरिया। तो बजाय ये यू एल पे पैडिंग देने के, इसके मैं पैडिंग हटा दूंगा। 1 EM इसकी पैडिंग है ना, तो मैं इसको 1 EM क्या दूंगा, मैं मार्जिन दूंगा। सही है, डूइंग द सेम थिंग, बट अभी क्या होगा कि मेरा जो एल आई है ना, उसका साइज़ बड़ा है। एल आई क्योंकि क्लिक होता है इसके ऊपर, तो एल आई का साइज़ थोड़ा सा मेरे बड़ा है। मैंने और किसको हाइट दी हुई है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको हाइट दी है जो फिक्स, उसकी मैं हाइट हटा रहा हूँ। हाइट हटाने से क्या होगा कि अंदर का जो मार्जिन जब बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली बॉक्स बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो नैव को हार्ड कोडेड एक हाइट दी थी ना, वो मैंने हटा दी उसके ऊपर से। उसके बाद मैंने कहीं और पे तो हाइट नहीं दी हुई है, कॉलम गैप दिया हुआ है। एल आई की हाइट नहीं दी मैंने, मार्जिन दिया ना इसको, चारों साइड 1-1 पिक्सल मार्जिन दिया मैंने उसको, ठीक है। अच्छा, इनका जो नैव बार है वो थोड़ा सा लास्ट से काफ़ी गैप है उसमें ना, हमारा जो वो लास्ट से काफ़ी चिपका हुआ आ रहा है। तो हम अपने हेडर पे जाके क्या करेंगे, इसको दे देंगे मार्जिन राइट, ठीक है, 1 EM, 1 EM मार्जिन राइट दे दिया मैंने, तो काफ़ी इससे सिमिलर हो गया ये। अच्छा, तो मैंने क्या एडिशनल CSS लगाया है, एक एक करके फेयर करते हैं। नैव के ऊपर से मैंने हाइट हटा दी है और मार्जिन राइट दे दिया उसको 1 EM। अभी एक एक करके करते हैं, नैव नैव नैव, ठीक है। नैव पे से मैंने हाइट हटा दी है और इसको क्या दे दिया है, मार्जिन राइट 1 EM। और मैंने अगला काम क्या किया, यू एल पे से आके पैडिंग हटा दी है मैंने, यू एल पे से आके पैडिंग हटा दी है, और कॉलम गैप 2 EM कर दिया है। कॉलम गैप को मैंने 2 EM कर दिया है और कुछ चेंज नहीं किया। और एल आई के ऊपर मैंने क्या कर दिया, मार्जिन ऐड कर दिया है 1 EM। एल आई के ऊपर मैंने मार्जिन ऐड कर दिया है 1 EM, ताकि जो एक्चुअल क्लिकेबल एरिया है वो बहुत छोटा था, असल में उसको बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये वैसा ही हो गया। अच्छा, इससे एक प्रॉब्लम और भी हुई है कि मेरे पास जो नैव बार है उसमें एक साइड पे जो है वो पैडिंग नहीं है, दूसरी साइड पे पैडिंग है। अच्छा, ये पैडिंग कौन सी वाली है, ये यूएल के अंदर होती है बाय डिफ़ॉल्ट, ये यूएल के अंदर, क्योंकि लिस्ट आइटम जो है थोड़ा इंडेंट होके आगे होते हैं, तो वो इंडेंट की वजह से ये पैडिंग मौजूद है। तो अगर मैं इस इंडेंट को ख़त्म करूँगा तो लेफ़्ट और राइट दोनों एक जैसा हो जाएगा, बट मैं ये देखना चाहूँगा कि क्या मेरा जो लेआउट है उसमें कितने फासले पे रखा है, क्या बटन बिल्कुल एजेस से शुरू है या थोड़ा फासला देके शुरू किया है इन्होंने। इनके बटन जो है दोनों साइड पे इक्वल फासला है, और जितना दो बटन के दरमियान है ना, उसका आधा फासला है दोनों साइडों पर, यानी काइंड ऑफ जस्टिफाई कॉन्टेंट वाला कुछ किया हुआ है इन्होंने सिस्टम, जो जस्टिफाई कंटेंट में जो चीज़ होती है ना वो किया हुआ है। तो जितना फासला इन दोनों के दरमियान है, उसका आधा फासला साइडों में है। तो इन दोनों के दरमियान कितना कितना फासला है, 1 EM का फासला है, ठीक है। तो मुझे इस यू एल को आके जो इसकी पैडिंग है राइट और लेफ्ट, वो मुझे क्या करनी पड़ेगी, वो मुझे 0.5 EM करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये सिर्फ होगा लेफ्ट और राइट के ऊपर, ठीक है। टॉप बॉटम जो है वो ज़ीरो होगा, ठीक है। टॉप बॉटम को मैंने जो ज़ीरो था ज़ीरो ही रखा है। तो अब मेरा ये
मामला कुछ बेहतर हो गया है। ये मैंने किस पे लगाया है? नैव के अंदर मौजूद जो यूएल है उसके ऊपर ये चीज़ लगाई है। नैव के अंदर मौजूद यूएल पे मैंने ये चीज़ लगाई है। और कोई ऐसा प्रॉब्लम जो इस वेबसाइट में हो? बैकग्राउंड कलर उन्होंने क्या लगाया है? नहीं, वाइट ही है उनका बैकग्राउंड, कोई फ़र्क नहीं है बैकग्राउंड में। सही है, तो ये बेसिक लेआउट को ना हमने कॉपी कर लिया। अच्छा, इनका जो इस तरफ का लोगो है, ये लोगो भी इतना ज़्यादा चिपका हुआ नहीं है दीवार के साथ, तो हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको भी मार्जिन हम बढ़ा के दे देते हैं। मैं गया इस लोगो पे, और ये जो लोगो वाला डिव है मेरा, ये लोगो वाले डिव को मैं देता हूँ मार्जिन 1 em। सही है, लोगो वाले क्लास पे मैंने मार्जिन लेफ्ट 1 em देना है। लोगो है ही नहीं, तो मैं कह देता हूँ कि डॉट नेव के अंदर डॉट लोगो जो है उसको अपने पैडिंग 0.5। ओए, ये तो मैंने पहले का कॉपी किया हुआ था। मार्जिन डैश लेफ्ट और 1 em। क्या हुआ, अप्लाई नहीं? अच्छा, ये डॉट लगा दिया मैंने, क्यों नहीं अप्लाई हो रहा भैया? हेडर के अंदर लोगो ऐसे करके है ना ये? अच्छा, ये हेडर के अंदर डायरेक्ट लोगो है, हेडर के अंदर डायरेक्ट लोगो है ये। सही है, नैव से इसका ताल्लुक नहीं है। सही है, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से कट करके इस जगह पे ले जाऊँगा। अच्छा, एक चीज़ और नोट करो, देखो CSS लगा रहा हूँ ना मैं, तो टॉप पे बॉडी रखी है, फिर हेडर है, फिर हेडर से मुतालिक अंदर जितने हैं वो यहाँ पर हैं, फिर नैव है, ठीक है, फिर साथ में नैव स्मॉल भी लगा हुआ है, फिर नैव के अंदर की जो चीज़ें उससे मुतालिक वो साथ साथ है, ठीक है। तो अभी हम इंशाल्लाह जब रिएक्ट की तरफ मूव करेंगे ना, UI प्लेन HTML से तो UI हम कभी भी नहीं बनाते, हम रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क है UI बनाने का, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसकी तरफ जब मूव करेंगे तो अब कंपोनेंट बेस हम बना रहे होंगे, तो उस कंपोनेंट बेस में ना CSS हम इसी तरह करके कोशिश करेंगे लिखने की कि वो एक सीक्वेंस से हो, ताकि कोड हमारा रीडेबल भी हो। और सही है, हमारा लोगो भी अपनी जगह पर बिल्कुल बेहतरीन सेट हो गया। सही है, इस पॉइंट पे आके हमारा जो फ्लेक्स बॉक्स का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ और भी हैं जो हमारे पास इस्तेमाल नहीं हो पाई हैं इसके अंदर, लेकिन वो आप देख सकते हैं, जैसे कि अलाइन कंटेंट, ये हमने इस्तेमाल नहीं किया इसके अंदर, लेकिन ये दिख रहा है आपको कि कैसे है ये। जो जस्टिफाई कंटेंट जो काम हॉरिजॉन्टली करता है, ये सेम काम वर्टिकली करता है, और जब उसका जो डायरेक्शन फ्लिप होगा तो ये भी फ्लिप होगा साथ साथ, ठीक है। गैप हमने यूज़ कर लिया, ये हम यूज़ कर चुके हैं, लेकिन हमने सिर्फ गैप कॉलम वाला यूज़ किया, बस ये तो सारे यूज़ कर लिया हमने। ये भी यूज़ किया हमने अलाइन सेल्फ, अच्छा ग्रो यूज़ नहीं किया हमने। ग्रो में क्या होता है कि अगर मुझे मिसाल के तौर पे नेव बार का जो बटन था वो 4 बटन थे, तो पहले बटन को मुझे 2 बटनों जितना साइज़ अगर देना है तो मैं फ्लैक्स ग्रोस पे लगा दूंगा 2, बाकी पे 1 1 1 बाई डिफ़ॉल्ट 1 होता है, सब पे बाई डिफ़ॉल्ट 1 ही होता है कि भाई जितना भी अवेलेबल स्पेस है, अगर 1 का मतलब है कि वो इक्वल लेगा, जितने सब ले रहे हैं उतना ही वो भी लेगा, 2 का मतलब है कि बाकियों से डबल, 1.5 भी हो सकता है, और पॉइंट में ये वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर भी मैं चेंज कर सकता हूँ, किसी भी चाइल्ड को मैं बोल सकता हूँ कि भाई तुम यहाँ से उठो और शुरू में जाओ। मिसाल के तौर पे नेव बार के अंदर एक आइटम कोई होता, मतलब लास्ट में अबाउट है या बीच में कहीं पर कोई गैलरी वैलरी लिखा हुआ है, उसके ऊपर मैं जाके क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा भाई ऑर्डर तुम्हारा 1 है, तो वो टॉप पे आ जाएगा उठ के, यानी वो अबाउट पहले आ जाएगा फिर होम स्टार्ट होगा। अच्छा, बाई डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाई डिफ़ॉल्ट फ्लैक्स आइटम आर लेड आउट इन सोर्स ऑर्डर, बाई डिफ़ॉल्ट क्या होगा, होम 1 होता है, अगर होम गैलरी ऐसे करके लिए तो होम 1 है, जो पहला आइटम है वो उसका ऑर्डर है 1। अच्छा, तो मुझे किसी एलिमेंट को अगर होम से भी पहले लाना है तो मैं क्या करूँगा,
माइनस में ले जाऊंगा उसका ऑर्डर, ठीक है, माइनस में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं वन करूंगा अगर तो शायद हो सकता है इससे पहले आ जाए, शायद हो सकता है इसके बाद आ गया, इसके साथ खड़ा हो जाए, लेकिन माइनस वन करूंगा तो फॉर श्योर फिर इससे पहले आ जाएगा वो, है? हाँ हाँ ये बता तो रहा है कि ये बता रहा है ना देखो कि माइनस वन भी हो सकता है बाय डिफॉल्ट, जिस ऑर्डर में है ना उस ऑर्डर में होता है, जैसे देखो ये है ना हमारा डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, तो ये वन होगा, ये टू होगा, ये थ्री होगा, ये फोर होगा, अगर इस फोर को मुझे उठा के वन के बाद लेके आना है तो मैं यहाँ पे उसको वन दे दूंगा तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, माइनस वन दूंगा तो इधर आ जाएगा, इस तरह की सेटिंग है, सही है भाई। अच्छा फ्लैक्स बॉक्स में इसी किसी चीज़ को लेके कोई क्वेश्चन? अच्छा इसका बैनर भी इन्होंने लगाया हुआ है, ये सॉफ्टवेयर हाउसेज में ना लोग इसको लगा के रखते हैं, इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं आप, इसको अपने घर पे चिपकाने के लिए कैलेंडर के तौर पे, आप इसको प्रिंट करके इसको ना बड़े से वो कागज़ पे ना कैलेंडर वाले पे प्रिंट करके वो सॉफ्टवेयर हाउस में लगाया हुआ होता है देखने के लिए, चीट शीट होता है कि भाई ये डिज़ाइनर बैठा हुआ है इसके साथ इस दीवार पे फ्लैक्स बॉक्स लगा हुआ है, उस दीवार पे कोई गिटहब का चीट शीट लगा हुआ है, ठीक है, चीट शीट्स होती हैं जिसमें जो रेगुलर यूज़ होने वाली कमांड्स हैं वो पता हो, मिसाल के तौर पर ये फ्लैक्स स्टार्ट फ्लैक्स एंड यहाँ पे लिखा हुआ है अलाइन पॉइंट, तो बंदा फौरन एक नज़र में देख लेता, तो वो पूरे आर्टिकल का जो लुब्बे लबाव है ना वो इसमें दिया हुआ है, तो आप चाहें तो इसको अपने पास, जी जी बिल्कुल करा देता हूँ मैं रिव्यू। देखो एक मेरे पास कंटेनर है जो पर्पल कलर का है और मेरे पास आइटम जो है वो येलो कलर में, अच्छा डिस्प्ले फ्लेक्स करते ही ये फ्लेक्स हो जाएगा, उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट रो है, रो का मतलब लेफ्ट टू राइट, अब इस डायरेक्शन के ऊपर जो डिफॉल्ट डायरेक्शन है इसकी, ये सारा नीचे का जो डॉक्यूमेंट है ना एजम्पशन है कि डिफॉल्ट डायरेक्शन है, अच्छा क्या है एजम्पशन भाई, ये रहा जस्टिफाई कंटेंट, अगर डायरेक्शन होगी रो तो फ्लेक्स स्टार्ट करने से ना सारे आइटम लेफ्ट पे आ जाएंगे, अपने पेरेंट के लेफ्ट पे आ जाएंगे, वो भी अगर जगह होगी तो, ठीक है, अगर जगह नहीं है तो फिर तो ज़ाहिर हिलने की मौका ही नहीं मिलेगा उसको हिलने का, अगर ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अभी तो रो है ना, रो रिवर्स अगर हो जाए तो, रो रिवर्स का मतलब होता है, आ जाओ वापस देखते हैं, रो रिवर्स का मतलब होता है ये वाला, सही है, तो अब जो मेरा जो जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट करूंगा मैं तो अब कहाँ लेके जाएगा वो, अब दूसरी साइड, क्योंकि स्टार्ट वहाँ से हो रहा है, वो स्टार्ट अब वो राइट से हो रहा है, रो जो है उसमें लेफ्ट से स्टार्ट होता है, उसमें राइट से स्टार्ट हो रहा है, तो फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब है राइट, फ्लिप हो जाएगा ये, सही है, अच्छा फ्लेक्स एंड और फ्लेक्स रिवर्स, फ्लेक्स रिवर्स तो इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जस्टिफाई कंटेंट में फ्लेक्स रिवर्स नहीं है, रो रिवर्स, हाँ रो रिवर्स अगर होगा तो राइट से लेफ्ट लेके जाएगा, फ्लेक्स एंड अगर रो रिवर्स होगा तो फ्लेक्स, ये फ्लेक्स स्टार्ट जो है ना पहले इस तरफ से स्टार्ट होता था लेकिन अब स्टार्ट क्योंकि इधर से हो रहा है तो इस तरफ करेगा फ्लेक्स स्टार्ट को, ये एक फ्लिप समझ आ जाएगा तो बाकी सारे फ्लिप भी समझ आ जाएंगे, नहीं 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 देखो जी ये भी भेज देता हूँ, देखो पहले तो तुम पेरेंट को ना फ्लो बताओगे उसका, फ्लेक्स डायरेक्शन बताओगे कि किधर से किधर जाना है, बाय डिफ़ॉल्ट देखो एचटीएमएल में बाय डिफ़ॉल्ट एक डायरेक्शन होती है ना, तो कभी भी वो पढ़ेगा ना जब रूल को तो वो डायरेक्शन को पहले पढ़ेगा उसके बाद ये जस्टिफाई करेगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, जब भी तुम किसी पेरेंट के ऊपर के कंटेनर की बात हो रही, जब भी किसी कंटेनर पर तुम ये दोनों चीज़ें लगाओगे ना, जस्टिफाई कंटेंट भी लगाओगे और फ्लेक्स डायरेक्शन भी लगाओगे, तो पहले वो फ्लेक्स डायरेक्शन को पकड़ेगा, फ्लेक्स डायरेक्शन सेट हो गई उसके बाद वो जस्टिफाई कंटेंट को अकॉर्डिंगली सेट करेगा, अगर फ्लेक्स स्टार्ट बोला हुआ है मैंने तो जिधर से स्टार्ट होता है फ्लेक्स, जिधर से भी स्टार्ट होता है उधर लेके जाएगा, अब देखो फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब समझ रहे हो तुम, ये
आ जाओ वापस इस डायरेक्शन में, अगर ये वाला होगा तो फ्लेक्स स्टार्ट मतलब इधर, अगर ये वाला होगा तो फ्लेक्स स्टार्ट मतलब इधर, अगर स्टार्ट अभी सिर्फ स्टार्ट को समझो, अगर ये वाला हो तो फ्लेक्स स्टार्ट मतलब टॉप पे सब कुछ, टॉप पे ले जाएगा उड़ा के, ये वाला होगा तो फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब है बॉटम, समझ रहे हो, फ्लेक्स स्टार्ट का ये मतलब है। जब ही इसने ना यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी है ना वो यहाँ पे बताई हुई है इसने, अच्छा ये बताया हुआ है इसने डिफॉल्ट पे, ये इसने डिफॉल्ट पे बताया हुआ है कि ये एक्सेस ना ऐसे यूँ जा रहा है, ये मेन एक्सेस जो है जो यहाँ से शुरू हुआ है, जब मैं डायरेक्शन करूँगा ना रो रिवर्स तो वो उस तरफ से शुरू होगा, अगर सही है। अच्छा इसी तरीके से अब आ जाओ, ये समझ आ गया जस्टिफाई कॉन्टेंट समझ आ गया। अच्छा जस्टिफाई कॉन्टेंट का फ्लैक्स स्टार्ट देखा हमने, फ्लैक्स एंड भी समझ गया हो गया, सेंटर भी समझ गया। इसी से स्पेस बिटवीन जब करेंगे ना हम, तो स्टार्ट और एंड के दरमियान में जो भी स्पेस होगा उसको वो इवनली बीच में रखते हुए, लेकिन ये स्टार्ट एंड की बात हो रही है, अगर वो कॉलम में है तो कॉलम में स्टार्ट एंड ऊपर नीचे है, अगर रो है तो रो में लेफ्ट राइट है स्टार्ट, समझ रहे हो, तो ये अकॉर्डिंगली करेगा। हाँ नहीं अच्छा मुझे लग रहा है तुम्हें शायद ये डायरेक्शन समझ नहीं आई है, डायरेक्शन समझा देता हूँ क्या है, हाँ नहीं नहीं सवाल पूछ रहे हैं ना, अच्छी बात है ना, तुम में से किसी को डायरेक्शन समझ आया है क्या होता है बताओ, डायरेक्ट व्हाट इज डायरेक्ट, फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करने से होता क्या है असल में, हाँ सही है यही मैंने बताया था, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तुम एक मिनट बैठो, मैंने ये तो उसने बताया ना, पहले बैठ जाओ नीचे, फ्लेक्स डायरेक्शन समझो पहले। देखो फ्लेक्स डायरेक्शन का मतलब ये है, HTML का डॉक्यूमेंट शुरू हुआ, एक हेडिंग लगी हुई है ऊपर, उसके बाद एक सब हेडिंग लगी हुई है, उसके बाद एक पैराग्राफ है, इसका जो डायरेक्शन है ना, अभी फ्लेक्स कुछ भी नहीं लगा हुआ, डिस्प्ले फ्लेक्स अभी नहीं लगा हुआ, इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, जो एलिमेंट कोड में पहले आया है वो स्क्रीन पे पहले आया, उसके बाद जो है वो फिर स्क्रीन पे उसके बाद है, ठीक है, तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन है। जब मैं इसको कर दूंगा ना डिस्प्ले फ्लेक्स, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी रो, ये वाली यानी कि, तो इस केस में क्या होगा कि कोड में जो चीज़ पहले आई है वो यहाँ पे लेफ्ट पे आएगी, सबसे लेफ्ट मोस्ट पे आएगी, उसके बाद कोड में जो चीज़ लिखी हुई है यानी कि सब हेडिंग वो उसके बाद आएगी, यानी कि वो तो लेफ्ट मोस्ट हो गया, अब ये उसके बाद जो अगला स्पॉट होगा वहाँ पे आ जाएगी, और उसके बाद जो पैराग्राफ है जो कोड में तीसरे नंबर पे वो कहाँ पे आ जाएगा, वो इस जगह पे आ जाएगा। अच्छा लेकिन जब ये रो रिवर्स होगा तो क्या होगा, तो जो कोड में सबसे पहले चीज़ है वो इधर आ जाएगी, ठीक है, कोड में वो शुरू ही वहाँ से करेगा उसको प्लेस करना। अच्छा अगर तो कॉलम रिवर्स है यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपका पूरा पेज है कोड में जो चीज़ सबसे टॉप पे है वो सबसे बॉटम पे आएगी, क्योंकि शुरू बॉटम से हो रहा है, डायरेक्शन समझ आया। अब जब डायरेक्शन समझ आ जाएगा ना तुम्हें, मुझे लग रहा था कि डायरेक्शन में ही कोई गड़बड़ है, ये सब लोगों को समझ आया डायरेक्शन, डायरेक्शन इज नॉट जस्ट अबाउट डायरेक्शन, वो एक्चुअल में उस एलिमेंट को रीड वहाँ से करना शुरू करता है, ठीक है। अगर कोई ये समझ रहा है ना कि रो रिवर्स में या कॉलम रिवर्स में, कॉलम रिवर्स में नीचे से ऊपर की तरफ तीर बना हुआ है, तो ऐसा नहीं होगा कि हेडिंग टॉप पे और सब हेडिंग और फिर पैराग्राफ और पूरा पीस नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो मेन हेडिंग को नीचे ले जाएगा, वो जो कोड में सबसे पहले है वो नीचे सबसे उसको प्लेस करेगा, उसके बाद और उसके बाद और उसके बाद उसके बाद ऊपर, यानी तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट तुम ऊपर से नीचे लिखते थे ना, अब वो नीचे से ऊपर लिख रहा होगा उसको, ठीक है, ऑर्डर पूरा चेंज करेगा, ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अलाइनमेंट, ये ऑर्डर चेंज कर रहा है, इसको गौर से समझोगे समझ आएगा। अच्छा तो अब ये जो ऑर्डर है ना तुम्हारा जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है अभी, अब इसके ऊपर ये जस्टिफाई कॉन्टेंट अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब ये ऑर्डर देखो, अब ये रो एजम्पशन है कि रो है ये जो डिफॉल्ट होता है उसका, यानी कि पहला आइटम यहाँ प्लेस करेगा उसके, और ऐसे ऑनवर्ड्स चलेगा जो, ठीक है। अब इसके अंदर जो है क्या करेंगे हम, जस्टिफाई कॉन्टेंट अप्लाई करेंगे, तो जस्टिफाई कॉन्टेंट से क्या होगा, अब देखो अगर फ्लेक्स स्टार्ट है तो कोडिंग में जो सबसे पहला है वो सबसे लेफ्ट पे, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, अगर
मेरा जो फ्लेक्स एंड है, तो कोडिंग में जो सबसे लास्ट में है वो राइट मोस्ट, उससे पहले जो है वो उसके बाद, फिर सबसे पहले जो है वो इधर। समझ गए, क्लियर हुआ तुम्हारा क्वेश्चन? अच्छा, फिर उसके बाद सेंटर अगर होगा तो क्या होगा, जो कोड में सबसे पहला है वो लेफ्ट पे, फिर उसके बाद और वो पूरे पीस को सेंट्राइज कर देगा। स्पेस बिटवीन भी समझ गया, अब ये सारी चीज़ समझ आ गई। अब ये फ्लिप होगा, अगर डायरेक्शन रो है ना, तो रो में तो ये ऐसे है, रो में क्या है, स्टार्ट लेफ्ट से है और राइट की तरफ मूव कर रहा है वो। अब इमेजिन करो कॉलम हो जाए, कॉलम में टॉप से शुरू है और नीचे की तरफ जा रहा है। कॉलम रिवर्स को इमेजिन करो, कॉलम रिवर्स में नीचे से शुरू है और ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मेरी स्क्रीन पे मिसाल के तौर पे 100 पिक्सल की हाइट मौजूद है, तो 10-10 पिक्सल के बॉक्सेस होंगे ना, अगर तीन मेरे पास, एक हेडिंग, एक सब हेडिंग, फिर एक पैराग्राफ, तो सबसे बॉटम पे कॉलम रिवर्स में सबसे बॉटम पे मेरा H1 होगा, बिल्कुल नीचे से शुरू करेगा, फिर उसके बाद। लेकिन अभी स्क्रीन में 100 पिक्सल की स्क्रीन है, तो 10-10 के तीन बॉक्स होगा, तो बची हुई जगह, तो मैं बोलूँगा कि जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर, तो वो स्क्रीन के बीच में आ जाएगा, नीचे से उठ के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, फ्लेक्स के सेंटर में आएगा, जो फ्लेक्स जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ एंड हो रहा है, यानी नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर एंड हो रहा है, तो उसके बीच में आगे खड़ा हो जाएगा। अगर मैं उसको बोलूँ फ्लेक्स स्टार्ट, तो वो नीचे रहेगा, क्योंकि नीचे से स्टार्ट हो रहा है फ्लेक्स, रो रिवर्स है ना, नीचे हो जाएगा। अगर मैं बोलूँगा फ्लेक्स एंड, तो वो टॉप पर चला जाएगा, क्योंकि फ्लेक्स एंड टॉप पर हो रहा है, ऑर्डर उसका वही रहेगा, मेन हेडिंग सबसे नीचे, फिर सब हेडिंग, फिर पैराग्राफ, लेकिन वो टॉप पर जाके खड़ा हो जाएगा। समझ लो, तो कितनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन हम इससे कर सकते हैं, पूरे पेज को उल्टा सीधा आड़े टेढ़ा सब कर सकते हैं इससे। अच्छा भाई, किसी का कोई क्वेश्चन और रह गया तो पूछ लो जी। रैप, अच्छा रैप, देखो क्या चीज़ है कि मेरे पास ना, देखो यहाँ पे तीन आर्टिकल हैं। अब इसको वेरी क्विकली मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ। ये अगर आर्टिकल तीन के बाद चौथा आएगा तो क्या होगा, चौथा पांचवा छठा, छह आर्टिकल हो गए, ये क्या हुआ, ये उसी को ही छोटा करता जा रहा है। लेकिन इमेजिन करो मैं इसको विड्थ दे दूं, अभी तो विड्थ दी भी नहीं थी ना, मैंने तो इक्वली डिवाइड करा था, मैंने विड्थ दे दी भाई 300 पिक्सल। अब तीन के बाद जगह ही नहीं बची, तो वो उसको ग्रुप करके नीचे लेके आ जाएगा। सही है, तो मुझे उसके लिए इसको क्या देनी पड़ेगी, विड्थ देनी पड़ेगी ईच आइटम को। अच्छा, अभी जो है वो क्या हुआ है, इसको फ्लेक्स नो रैप लगा हुआ है। अब देखो जैसे ही मैं आऊँगा ना यहाँ पे, क्योंकि इसकी खुद की भी तो एक विर्थ है ना यार भाई, इमेज की खुद की भी तो एक विर्थ है, मैंने नहीं दी तो क्या हुआ, वो एक जगह लेने की कोशिश कर रहा है, बट उसके पास अलाउ नहीं कर रहा उसको मेरा। तो मैं अगर इसको आके बोलूँगा, किसको बोलूँगा आके मैं, जो मेरा जो आर्टिकल का जो पेरेंट है, कि भाई अपने बच्चों को आप क्या करो, संभालो, ठीक है। तो ये मेरा कंटेंट है, इस पर आके मैं बोलूँगा कि भाई फ्लेक्स रैप, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट तो वो क्या होता है, नो रैप होता है। फ्लेक्स रैप को मैंने कहा कि भाई अच्छा वो नहीं हुआ एक्चुअली, क्योंकि शायद किसी की भी विर्थ डिफाइन नहीं हुई, भी इमेज की भी शायद मैंने विर्थ डिफाइन नहीं की। वेल, अगर मैं जाके क्या बोलूँगा इसको, यार ये मैंने किसको दे दिया, ये मैंने कॉन्टेंट को दे दिया, ये मैंने कंटेंट को दे दिया भाई, मुझे तो आर्टिकल सेक्शन को देना था ना। हाँ ये रहा ना, फ्लेक्स रैप लगते ही क्या हुआ, ये कह रहा बस एक आएगा, ठीक है, इसलिए मुझे इसको विर्थ देनी पड़ेगी कि नहीं यार 300-300 करके लेना है, तो 300-300-300 900 होगा, 900 पे ख़त्म हो जाएगा स्पेस, फिर वो नीचे से शुरू करेगा, लेकिन अभी ये पूरा ही नीचे आ गया। वेल, मैं वेरी क्विकली इसको यहीं पे से थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई आपने इतनी हाइट लेनी है, तो मैं क्या बोलूँगा जाके, ये जो आर्टिकल सेक्शन था इसके अंदर जो चाइल्ड था मेरा, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिकल, ठीक है, जो जिसकी क्लास है आर्टिकल, तो इसको मैं जाके बोलूँगा कि भाई आपकी जो विड्थ है वो क्या हो जाए, 300 पिक्सल हो जाए। सही है, अच्छा तो ये सिर्फ एक पे लगा, ये सब पे क्यों नहीं लगा, आर्टिकल की क्लास ही शो नहीं कर रहा है यहाँ पे ये। वेल, तो मैं 300 पिक्सल करके दूंगा ना, तो क्या होगा, अलग अलग दे देता हूँ मैं, ठीक है। देखो ये इसके पड़ोस में आ गया, इसके बाद वाले को मैं देता हूँ मज़ीद 300, ठीक है,
अब वो नहीं आया उसके बाद में, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं बची हुई थी, क्योंकि बीच में वो भी पैडिंग वेडिंग भी तो है ना, तो 960 के अंदर तीन नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि पैडिंग भी तो ऐड हो रही है ना। 1 EM मैंने पैडिंग दी है इसको, सॉरी 1 EM का गैप दिया है, तो 16 पिक्सल का गैप है इसके बीच में, तो इस वजह से वो जगह में शायद 1-2 पिक्सल कम पड़ रहे हैं, तो वो नहीं जा रहा उसके पड़ोस में। ठीक है, 250 पिक्सल रखा हुआ है मैंने, तो असल में इसको जो मैंने गैप दिया है ना वो 2 EM दिया है, थोड़ा सा कम कर दूंगा मैं, 1.7 EM कर दूंगा, तो तीनों आ जाएंगे फिर। देखो तीन आ गए, अब चौथा नीचे से शुरू हो रहा है अब। ठीक है, वो एक्चुअली वो जैसे मैंने जिक्र किया था ना, आप 100% देते हैं, फिर आप बोलते हैं यार ये दोनों बराबर क्यों नहीं हो रहा, नीचे क्यों आ रहा है, वो ये वाला रीज़न है कि भाई मार्जिन है जो ऐड अप हो रहा है, अगर बॉर्डर का कोई साइज़ है तो वो भी ऐड अप हो रहा है, पैडिंग भी ऐड अप हो रही है। मैंने जो बोला ना 300 पिक्सल, तो वो पैडिंग को हटा के, पैडिंग अलग से लग रही है उसके ऊपर, फिर मार्जिन अलग से लग रहा है। ठीक है, तो ये हमने रैप भी पढ़ लिया कि रैप क्या करता है, जब गैलरी वगैरह हम बनाते हैं उसमें रैप हमारे काफ़ी काम आता है। अच्छा, अब देखो जब स्क्रीन पे ना इनफ जगह नहीं होगी ना, तो ये क्या होगा, ये और रैप होगा, लेकिन वो असल में इनफ जगह का केस ही नहीं है, मैंने उसके पैरेंट को ही फिक्स किया हुआ है, तो वो कभी हिलेगा ही नहीं। ठीक है जी, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फ्लैक्स बॉक्स हमारा आज एंड हो गया, और नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि CSS को कम्प्लीट कर लें। टेस्ट आपका नेक्स्ट क्लास में है सब लोगों को, वैसे तो इन्होंने 5 बजे बुलाया लेकिन 4:30 बजे आ जाना, क्योंकि आप सबका टेस्ट 1 go में नहीं हो सकता, तो वो 2 sections में होगा, तो कोशिश करना कि कुछ लोग 4:30 बजे आ जाओ, ताकि उनका हो जाए, फिर दूसरे बंदे टेस्ट दें। अच्छा, और हमारी जो क्लास है, यानी जुम्मे वाले दिन हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जुम्मे वाले दिन की जो क्लास है वो अपने टाइम पर होगी टेस्ट के बाद। ठीक है, और मतलब कोशिश कीजिएगा कि कुछ 1-2 लोगों ने मुझे एक्सक्यूज़ बताए थे कि सर हम टेस्ट से पहले मतलब क्लास से पहले नहीं आ सकते, लेकिन एक्चुअल टेस्ट आपका क्लास से पहले ही होगा। ठीक है, क्लास के बाद जो वो असल में ये जा चुका होता है सारा स्टाफ, तो कोशिश कीजिएगा कि अगर क्लास से पहले आ सकें, अदरवाइज़ जो जिनका जेन्युइन एक्सक्यूज़ है उनके लिए फिर स्टाफ को रुकना पड़ेगा, तो दूसरों का ख्याल करते हुए कोशिश कीजिएगा कि क्लास से पहले आप आके टेस्ट दे दें और फिर क्लास। ठीक है जी, चलो। चैप्टर्स जो है वो जो CSS का पहला चैप्टर है ना वहाँ से लेके, कौन सा 11 है या 10 है, वो 11 है, तो बस वहाँ से शुरू है, वहाँ से लेके 18। HTML जो हो चुका है वो दोबारा नहीं आएगा इसमें। नहीं नहीं, मंडे को नहीं दे सकते, होगा जुम्मे को ही कर दूंगा यार, अभी नहीं कर रहा मैं। अच्छा, फ्लैक्स बॉक्स टेस्ट में नहीं आएगा क्योंकि आपके बुक में नहीं है। नहीं है, उसका नहीं है, मतलब जब मैं प्रैक्टिस करूंगा उसके लिए जरा। मैं तो Instagram का सॉफ्टवेयर पेज बनाया, उसमें सर आपने वीडियो अपलोड नहीं? यार वीडियो कर दूंगा अपलोड, आज कर दूंगा सर।